हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईएमबी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, यानी चैप्टर नंबर 4th के नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ये जो नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो 1988 से लेकर नीट 2022 तक के हैं, यानी लास्ट 35 ईयर्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इसे पहले वाले चैप्टर्स हम करवा चुके हैं और ये लिस्ट जो है वो पी वाई क्योंकि हम सभी चैप्टर्स की करवाएंगे। तो अगर आपने इसे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस की तरफ। इस चैप्टर के अंदर लगभग जो है वो 116 है। तो हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा स्टार्ट होता है, टॉपिक है कौसल लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। 1998 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन है, इन PO4-3 आयन द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम एंड PO बॉन्ड ऑर्डर रिस्पेक्टिवली। हमें ये बताना है कि फॉर्मल चार्ज हर एक ऑक्सीजन पे कितना है और बॉन्ड ऑर्डर जो है वो रिस्पेक्टिवली कितना है। तो सबसे पहले फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो टोटल चार्ज कितना है, -3 है, और टोटल एटम कितने हैं, 4 है। तो फॉर्मल चार्ज अगर ईच ऑक्सीजन पे निकालना है तो -3/4 करेंगे तो हमें जो है वो निकल कर आएगा, वो कितना आएगा, -0.75 निकल कर आएगा। यानी जो फॉर्मल चार्ज है वो -0.75 है, तो एक ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। अब बॉन्ड ऑर्डर के बारे में हमें बात करने से पहले हमें कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं PO4-3 के अंदर, तो हम देख लेते हैं PO4 है हमारे पास में, तो बॉन्ड है 1, 2, 3, 4, 5। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स है हमारे पास में 5। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें निकालना है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास में कितने निकल कर आएंगे, टोटल 4 निकल कर आएंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने निकल कर आएंगे, 4 निकल कर आएंगे। तो इसको अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप ध्यान शब्द पे देना जो मैं बोल रहा हूँ, लिखाई में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमारे कितने थे, 5 थे, और टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे हमारे, 4 होंगे। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर आएगा 1.25। तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर 1.25 है, फॉर्मल चार्ज हमारा -0.75 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा गया, अमोंग LiCl, BeCl, BCl3 एंड CCl4 द कोवेलेंट बॉन्ड करेक्टर फॉलो द ऑर्डर। हमें कोवेलेंट बॉन्ड करेक्टर बताना है, तो अकॉर्डिंग टू फैजन रूल क्या निकल कर आएगा। फैजन रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है, लार्जर द साइज ऑफ द कैटायन, अगर कैटायन का साइज लार्जर है तो वहाँ पे कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, उसका कम होगा, लेस होगा। तो हमें अकॉर्डिंग टू साइज लगा देना है, तो फैजन रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है वो सबसे स्मॉल जो है वो साइज क्या होगा, कार्बन का होगा। ओके, उसके बाद में उससे बड़ा किसका होगा, बोरोन का, फिर बेरिलियम का, और सबसे लार्ज साइज किसका होगा, लिथियम का होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और यही हमारा फैजन रूल के अकॉर्डिंग कोवेलेंट करेक्टर निकल कर आएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द बॉन्डिंग कैपेसिटी ऑफ द टू एटम्स इन्वॉल्व। यानी यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब देखिए, जो कार्बन होता है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, जनरली 4 बॉन्ड बनाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी उसकी 4 होती है। बट यहाँ पर इस पॉइंट में देखिए, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए, 1, 2, 3, 4, 5। तो क्या ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे जो है हमसे ये पूछा गया कि डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट, तो ये वाला रिप्रेजेंट करेक्टली नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम जो है वो टॉपिक हमारा आयन और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया हमारे सामने। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास में, अमोंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड विल शो द हाइएस्ट लैटिस एनर्जी। यानी लैटिस एनर्जी सबसे हाइएस्ट किसकी है। अब लैटिस एनर्जी होती क्या है, लैटिस एनर्जी होती है वो एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होती है एक मोल आयन सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। यानी उस एनर्जी से हम एक मोल का जो आयन सॉलिड है उसको गैस में कन्वर्ट कर पाए, वो एनर्जी क्या कहलाती है, लैटिस एनर्जी कहलाती है। तो अभी हमसे क्या पूछा गया, हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, तो हाईएस्ट के लिए क्या होगा, द कंपाउंड कंटेन आयन ऑफ सेम चार्ज। यहां पर लैटिस एनर्जी इंक्रीज एज द साइज ऑफ आयन डिक्रीज, तो सबसे छोटा जिसका आयन होगा, क्लियर है, उसका लैटिस एनर्जी सबसे हाई होगा। तो यहां पे सबसे छोटा साइज देख लेते हैं किसका होगा, लीना की रब से CS, तो CS यहां पर इसका साइज सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब यहां पे इसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी,
सबसे कम होगी। अगर साइज बड़ा है तो लैटिस एनर्जी कम होगी, साइज छोटा है तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है। हमसे क्या पूछा है, हाईएस्ट पूछा है। तो इन सब में जो सबसे लोवेस्ट साइज वाला है वो सोडियम और फ्लोरीन का है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ तुम्हारा बॉन्ड पैरामीटर्स है। बॉन्ड पैरामीटर्स में पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव द जीरो डाइपोल मूवमेंट, यानी किसका जीरो डाइपोल मूवमेंट आएगा। अब आपको बता दूं कि ये जो एनसीईआरटी में टेबल 4.5 दी हुई है, पेज नंबर होगा ये लगभग 112 एनसीईआरटी के अंदर, आप देख लेना वहां पे टेबल दी हुई है, वहां पे डाइपोल मूवमेंट के बारे में जो है एक टेबल में दिया हुआ है, वहां से कई बार क्वेश्चन आए भी हैं। अब डाइपोल मूवमेंट होता क्या है, डाइपोल मूवमेंट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। और हम जो डाइपोल मूवमेंट है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। तो हमसे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल हैव द जीरो डाइपोल मूवमेंट, यानी किसके अंदर जीरो डाइपोल मूवमेंट होगा। सबसे पहले देखते हैं अमोनिया, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, वाटर एंड 1/4 डाइक्लोरोबेंजीन। अमोनिया, अमोनिया का डाइपोल मूवमेंट वहां पे दिया हुआ है टेबल 4.5 एनसीईआरटी के अंदर, और कितना दिया हुआ है 1.47 दिया हुआ है, इसका मतलब इसका तो जीरो हो ही नहीं सकता। जो हमारे पास में बेरिलियम डाइफ्लोराइड आता है यानी BeF2, इसका जो होता है वो जीरो होता है, इसका कितना होता है, जीरो होता है। वाटर का डाइपोल मूवमेंट होता है 1.85 होता है। 1/4 डाइक्लोरोबेंजीन का जो है वो जीरो होता है। तो हम सबका जीरो बताने, तो एमोनिया और वाटर यहाँ पे कट गए। बोरोन ट्राई फ्लोराइड का कितना होता है, जीरो होता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का कितना होता है, HF जिसको बोलते हैं, इसका 1.78 होता है, इसका जीरो नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसका क्या होता है, इसका भी जीरो होता है 1/4 डाइक्लोराइड। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन डाइफ्लोराइड है जिसका जीरो नहीं है, बाकी सबका जीरो, बट हमें सबका बताना है। तो ए ऑप्शन भी नहीं होगा हमारा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सी एंड डी ऑप्शन की। अब सी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है NF3, इसका जीरो नहीं होता है, इसका कितना होता है 0.23, मैं टेबल से ही आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर बेरिलियम डाइफ्लोराइड उसका तो हमने बता चुके हैं कि जीरो होता है, वाटर का जीरो नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी हमारा हट जाता है। अब बात करते हैं बोरोन ट्राईफ्लोराइड का कितना होता है, जीरो होता है। बेरिलियम डाइफ्लोराइड का कितना होता है, जीरो। कार्बन डाइऑक्साइड 1/4 डाइक्लोरोबेंजीन जीरो, सबका जीरो होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो सिक्स है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट का हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है, यानी सबसे हाईएस्ट किस में होता है। तो अभी मैंने बताया था H2O में कितना होता है, 1.85 होता है, कितना होता है 1.85। NF3 में कितना होता है, 0.23 होता है। BF3 में कितना होता है, जीरो होता है। अमोनिया में कितना होता है, 1.47 होता है। तो अब देख लीजिए, सबसे पहले तो BF3 लगाइए, BF3 का जीरो होता है। उसके बाद में NF3 लगाइए, क्यों, क्योंकि इसका 0.23 है, फिर NH3 इसका 1. और सबसे हाईएस्ट H2 है, तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन बी। नीट 2019 ओडिशा स्टेट से आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल किस में निकल कर आएगा। ये एनसीईआरटी के जो टेबल है 4.6 वहाँ पर दिया हुआ है सबका बॉन्ड एंगल, और वहाँ पर जो बॉन्ड एंगल जो है 120 डिग्री निकल कर आता है बोरोन क्लोराइड का। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है, द कंसीडर द मॉलिक्यूल, हमें तीन मॉलिक्यूल दिए हैं, एक CH4 दिया हुआ है, एक NH3 दिया है, H2O, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, हमें बताना कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है यानी गलत है। तो देख लेते हैं भैया, सबसे पहले क्या पूछा गया ये देख लेते हैं। HOH बॉन्ड एंगल इज द स्मॉलर देन द बॉन्ड एंगल, HCNS बॉन्ड एंगल इज लार्जर देन द बॉन्ड एंगल, HCH बॉन्ड एंगल इज CH4, HCH बॉन्ड एंगल इज एन द बॉन्ड एंगल इज द ऑल ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो हम देख लेते हैं कि किसका क्या कुछ होता है। सबसे पहले बात करते हैं CH4 की, CH4 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, वो होता है 109.5। NH3 एमोनिया का देख लेते हैं कितना होता है 107, वाटर का कितना होता है 104.5, ये होता है। तो यहाँ पे बोला कि H2O बॉन्ड एंगल इज स्मॉलर देन, तो यहाँ पे इसका बोला है कि स्मॉलर देन NH3, एमोनिया से कम होता है, बिल्कुल सही बात की गई। HCN बॉन्ड एंगल इन CH4 इज लार्जर देन HCN, यहाँ पे CH4 का बोला गया कि इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा बड़ा होता है, बिल्कुल सही है। HCH बॉन्ड एंगल इन CH4 एंड बॉन्ड एंगल इन H3 एंड बॉन्ड एंगल आर ग्रेटर देन 90, सबके 90 डिग्री से सही है, बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज लार्जर देन द HCH CH4, जी नहीं, क्योंकि CH4 का भी बताया था कितना होता है 109 और इसका कितना होता है 104.5, तो ये लार्जर नहीं होता है, ये स्मॉलर होता है, तो ये गलत हो गई, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। फिर बता रहा हूँ NCERT में टेबल से ही आया हुआ ये क्वेश्चन है।
ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। सबसे मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किसका होगा? CO2 का होगा, CH4 का होगा, NH3 होगा, NF3 का होगा। CO2 का मैं बता चुका हूँ कितना होता है, जीरो, टेबल 4.5 से ही वही क्वेश्चन आया 2014 में। फिर उसके बाद में बात करते हैं किसके बारे में, CH4 में, इसका भी कितना होता है, जीरो होता है। फिर हम बात करते हैं अमोनिया का, अमोनिया का भी अभी बताया था 1.47 होता है। NF3 का कितना होता है, 0.23 होता है। तो हाईएस्ट पूछा है, हाईएस्ट किसका आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ जो है वो बतानी हमें। अब ये भी सेम जो है वो आया हुआ है टेबल 4.2, एनसीईआरटी में टेबल 4.2 है, डायरेक्ट वहाँ पे दिए हुए हैं, वहीं से हमें बात करनी है। फिर भी बता देता हूँ बॉन्ड लेंथ सीएच में कितनी है, 107 है। फिर उसके बाद में सीओ की बात करें तो यहाँ पे कितनी है, 143 है। कार्बन कार्बन की बात करें तो ये 154 है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में ये 133 है। तो सबसे स्मॉलेस्ट तो होगी सीएच, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, सबसे सीएच जो है वो 107 है। तो सीएच वाली ये दो हो गई, ये दो ऑप्शन हट गए हमारे। उसके बाद में उससे बड़ी किसकी है, 133 यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, तो ये हो गया। फिर उसमें सीओ में 143 है, ये 154 है, फिर तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। डायरेक्ट याद करने वाला था क्यों, क्योंकि टेबल 4.2 से आया हुआ क्वेश्चन है ये। ओके चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द मोस्ट प्रेफर्ड एंड हेंस द लोवेस्ट एनर्जी ऑफ SO3। सबसे मोस्ट प्रेफर्ड एंड लोवेस्ट एनर्जी ऑफ SO3 वाला हमें स्ट्रक्चर बताना है कौन सा होगा। तो यहां पर देख सकते हो एक स्ट्रक्चर ये दिया, एक ये दिया, एक ये दिया। तो यहां पर हमारे जो मोस्ट जो होगा वो जिसमें जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे उसकी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। सबसे ज़्यादा पाई बॉन्ड किस में दिख रहे हैं, इसमें दिख रहे हैं, 1, 2, 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग ट्राई एटोमिक स्पीसीज। हमें बॉन्ड एंगल बताने की सबसे ज़्यादा किस में होगा, NO2 माइनस, NO2 माइनस के अंदर अगर हम बात करें तो बॉन्ड एंगल होता है 115 डिग्री। NO2 प्लस, NO2 प्लस के अंदर हम बात करें तो बॉन्ड एंगल होता है 134। और NO2, NO2 के बात करें NO2 प्लस की बात करें तो यहाँ पर होता है 180 डिग्री होता है। और सिंपल NO की बात करें तो यहाँ पे 134 डिग्री होता है। हमें यहाँ पे बताना है कि सबसे हाईएस्ट किसका होगा। तो देखिए NO2 माइनस का तो 115 होता है, इसका कम हो गया। फिर NO2 सिंपल का 134 होता है, और इसका सबसे ज़्यादा 180 डिग्री होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। वापिस हमसे क्या पूछा गया, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सी ओ बॉन्ड लेंथ। वापिस से हमें बॉन्ड लेंथ बतानी है। बॉन्ड लेंथ डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है, ये भी आप याद रख सकते हो। ओके यहाँ पे भी हमें CO बताना है, CO3 माइनस 2 और CO2 बताना है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए मोर सिंगल बॉन्ड करेक्टर होंगे इन रेजोनेंट हाइब्रिड, तो मोर इज द बॉन्ड लेंथ होगी। यानी जितने ज़्यादा हमें रेजोनेंसिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, उसकी उतनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ हमें देखने को मिलेगी। अब देखिए कार्बन सी ओ सी ओ हो गया, इसमें केवल एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चलते रहेंगे। एक बार ये इधर आ जाएगा सी थ्री ओ, और एक यहाँ पर ए, ये एक ही चलता रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर अब ये बात करते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं किसके बारे में, सी ओ टू के बारे में। सी ओ टू क्या होगा यहाँ पे, सॉरी पहले हमें सी ओ देखना है। तो सी ओ सिंपल ये होगा, इसमें केवल एक ही स्ट्रक्चर है, यही हमारे पास में चलता रहेगा। फिर सी ओ टू में हमारे पास में जो है वो एक इधर आ सकता है, एक सिंगल बॉन्ड करेक्टर एक बार इसमें रह सकता है, एक बार इसमें रह सकता है, मतलब इससे ज़्यादा इसका हो सकता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं किसके बारे में, सी ओ थ्री कितना है, माइनस टू है, तो सी ओ ओ। तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड, दो सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे, तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास में बॉन्ड लेंथ निकल के आएगी वो इसकी निकल कर आएगी। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड निकल कर आएगी वो सी ओ थ्री की निकल कर आएगी, उसके बाद में सी ओ टू और फिर सी ओ, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एन एंड एफ इज ग्रेटर देन दैट इन द एन एंड एच। एन एंड एच से ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो एन एफ में है। येट द डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एच थ्री 1.5 डी इज लार्जर देन द एन एफ थ्री। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें एन एच थ्री की, किसकी बात करें, एन एच थ्री की, तो यहाँ पे वेक्टर ऐड हो जाते हैं, मतलब यहाँ से इधर जाता है, इधर से इधर जाता है, इधर से इधर जाता है, फिर यहाँ पे ये मल्टीपल, तो यहाँ पर जो टोटल डाइपोल मोमेंट का जो करेक्टर होता है उसमें वो ऐड हो जाते हैं, वेक्टर सेम डायरेक्शन में है उसकी वजह से ऐड हो जाता है। तो इसलिए इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा निकल कर आता है 1.5 डी। डी क्या है, डी बाई एक यूनिट है किसकी, डाइपोल मोमेंट की। बट यहाँ पर एन एफ थ्री की बात करें तो एन एफ में क्या होता है, देखिए यहाँ पर
यहाँ पर NF में ये इस साइड डायरेक्शन में जाते हैं और यहाँ पर ये जो लोन पेयर होता है उसमें इस डायरेक्शन में जाते हैं, तो इसके जो वेक्टर्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। उस वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो एक दूसरे को कट करेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो कम आ रहा है। अब ऑप्शन देख लेते हैं हमसे ये क्या पूछा, दिस इज बिकॉज NS3 द एटॉमिक डायपोल मोमेंट एंड बॉन्ड डायपोल आर इन द अपोजिट डायरेक्शन वेयर्स NF3 आर दीज आर इन द सेम डायरेक्शन। दे रही NH में सेम डायरेक्शन होता है तो ये उल्टा लिख दिया, NH3 एज वेल एज NF3 द एटॉमिक डायपोल एंड बॉन्ड डायपोल आर इन द सेम डायरेक्शन। दी नहीं, दोनों में सेम डायरेक्शन ही होता, NH3 द एटॉमिक डायपोल एंड डायपोल आर इन द सेम डायरेक्शन वेज NF3 दीज आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये बिल्कुल सही है, तो आंसर आता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट ऑप्शन डी में बोला गया है इन NH3 एज वेल NF3 डायपोल एंड बॉन्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ऐसा नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया क्या, द करेक्ट ऑर्डर इन विच ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज इन द फॉलोइंग। सबसे ज़्यादा तो हमें बताना है कि किसके अंदर जो है वो बॉन्ड लेंथ होगी। तो सबसे पहले अगर हम H2O2 की बात करें तो H2O2 में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.48 एंगस्ट्रॉम। अगर हम सिंपल ऑक्सीजन की बात करें तो ये होती है 1.21 एंगस्ट्रॉम। ओजोन की बात करें तो यहाँ पर होती है 1.28 एंगस्ट्रॉम। अब हमें देख लेना है कि किसमें सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगी किसमें, H2O2 में होगी, क्लियर है। उसके बाद में किसमें होगी, ओजोन में होगी, और सबसे कम किसमें होगी, ऑक्सीजन में होगी। तो ऑक्सीजन फिर ओजोन फिर H2O, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट करेक्टर। अभी अभी बताया था कि यहाँ पे फेजेन रूल लगेगा, अगर कोवेलेंट करेक्टर पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, स्मॉलेस्ट अगर कैटाइन है, सबसे स्मॉल अगर कैटाइन है, क्लियर है, और अगर लार्जर एनायन है, लार्जर एनायन है, स्मॉलेस्ट कैटाइन है लार्जर एनायन है, तो उनमें ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर देखने को मिलेगा। तो हमें यहाँ पर कैटाइन का साइज़ देखना है क्योंकि लगभग सब में Cl है। अब कैटाइन का स्मॉल साइज़ किस में होगा, सबसे हाईएस्ट साइज़ होगा वो सोडियम का हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिए आप, सोडियम लिथियम बेरिलियम है, सबसे हाईएस्ट साइज़ किसका होगा, होती है सोडियम का, फिर लिथियम का, और फिर सबसे स्मॉल किसका होगा, बेरिलियम का। तो इसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा, सबसे हाईएस्ट लिथियम फिर सीलियम फिर बेरिलियम, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी अकॉर्डिंग टू फेजेन रूल हमें करना है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट। परमानेंट डाइपोल मोमेंट किस में लिएगा, तो SF4 के अंदर में परमानेंट मिलेगा, बाकी सब में क्या मिलेगा, डाइपोल मोमेंट जो होगा वो जीरो मिलेगा। ये तो आपने बात भी कर चुके, टेबल में आ भी चुका क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या पूछा गया है, H2O इज डाइपोलर वेयर BeF2 इज नॉट। यहाँ पे बोला गया कि जो वाटर है वो डाइपोलर है जबकि BeF2 जो है वो नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों है, द इलेक्ट्रोनेटिविटी ऑफ F इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन, या फिर H2O इन्वॉल्व हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेयर BeF2 इज डिस्क्रीट मोलिक्यूल, H2O इज लीनियर वेयर BeF2 इज एंगुलर, या फिर H2O इज एंगुलर वेयर BeF3 इज लीनियर। तो ऐसा क्यों है, क्यों है, क्योंकि वाटर जो है वो एंगुलर यहाँ पे होता है स्ट्रक्चर कितना, 105 डिग्री एंगल के साथ में, जबकि BF2 क्या होता है, एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो इसीलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट पोजिस ए परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, यानी किसमें डाइपोल मूवमेंट परमानेंट जो है वो नहीं होता है। तो यहाँ पर यही पूछा है, नोट है पोजिस CH2 SO3 H2S SO2। तो यहाँ पर सिंपल जो CH2 होता है वहाँ पर जो है वो स्ट्रक्चर लीनियर होता है, और इसीलिए यहाँ पर कोई भी जो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है, जीरो होता है इसका। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया था टेबल शो बिलो गिव द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमें यहाँ बताई गई है फॉर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ द कार्बन एटम वेयर एलिमेंट ABCD विच एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट एटम। हमें बताना है कि कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट एटम होगा, और यहाँ पे कार्बन के साथ में अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो ये कार्बन के साथ में ए वाला बी वाला सी वाला डी बॉन्ड बना रहा है, ये डिसोसिएशन एनर्जी है। स्मॉलेस्ट एटम का मतलब क्या हो गया, जिसका जितना ज़्यादा स्मॉलेस्ट एटम होगा उसका मतलब उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। हाईएस्ट द एनर्जी स्मॉलेस्ट इज द साइज, तो यहाँ पे हाईएस्ट एनर्जी किसकी है, डी की है, तो इसीलिए यहाँ पे डी वाला जो वो स्मॉलेस्ट एटम हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन बिटवीन, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसका होगा, CaSF का, NaCl का, या फिर दोनों का, या फिर किसी का भी नहीं। तो यहाँ पर हमें आयोनिक बॉन्ड होगा, और आयोनिक बॉन्ड के लिए क्या होता है, देखिए
लार्जर इज द कैटायन, अगर कैटायन का साइज ज़्यादा है तो वहाँ पे उसका जो आयनिक करेक्टर है वो भी ज़्यादा होगा। तो सोडियम और हमारा CS में से सबसे ज़्यादा जो साइज़ बड़ा है वो CS का है, सोडियम का छोटा है। तो जितना बड़ा साइज होगा उसका आयनिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, जबकि एनायन का जो स्ट्रक्चर है एनायन सबसे स्मॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे एनायन सबसे स्मॉल है और कैटायन सबसे लार्ज है, तो इसका जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड मिलेगा क्योंकि आयनिक बॉन्ड सबसे स्मॉल है इसी का होगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड विल द मोस्ट पोलर, सबसे मोस्ट पोलर किसका होगा। मोस्ट पोलर के लिए क्या होता है, उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितनी ज़्यादा होगी उसकी पोलरिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हमसे मोस्ट पोलर पूछा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जो नाइट्रोजन होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.04 और जो क्लोरीन होता है उसका होता है 3.16। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 3.5, फ्लोरीन की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, क्लियर है। अब नाइट्रोजन की कितनी होती है 3.04, एफ की कितनी होती है 4, और नाइट्रोजन की 3.4। मैंने बोला है जितना ज़्यादा पोलरिटी होगा उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस उतना ज़्यादा होना चाहिए। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होगा, तो ये सबसे कम पोलर होंगे, इनसे ये सबसे कम पोलर होंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो 0.12 आएगा, उसके बाद में इनकी पोलरिटी उससे ज़्यादा होगी, यहाँ पे 0.5 निकल कर आएगा, उनकी पोलरिटी उससे भी ज़्यादा होगी, जबकि NF में जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो 0.96 का निकल आएगा। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर यही होंगे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, दैट इज वेस्पर थ्योरी, और यहाँ से हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम क्लोरीन। अब हमें क्लोरीन पे बताना है, तो क्लोरीन पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, F3 जोड़ना है इसके साथ में, तो एक F ये जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद में एक F यहाँ पे और फिर एक F यहाँ पे, तो हमारे पास में ये और ये, तो ये दो लोन पेयर बच चुके हैं और हमारे पास में तीन जो है वो बॉन्ड पेयर हो चुके हैं। हमसे क्या पूछा था, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, 2, 4 या फिर 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, ऑप्शन बी। टोटल कितने हमारे पास में लोन पेयर थे, 2 लोन पेयर थे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग, हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है, यानी बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। तो यहाँ पर क्या जो होता है उसमें एनर्जी हाई होती है। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो होता है वो लोन पेयर, देन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तुम्हारा आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर एंड अराउंड द सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम के बाहर क्या होने चाहिए हमारे पास में, कितने 3 बॉन्ड पेयर होने चाहिए और 1 लोन पेयर। सबसे पहले बात करते हैं H2O के बारे में, तो यहाँ पे क्या होंगे, हमारे पास में 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 ही लोन पेयर होंगे, तो बट हमसे 3 बॉन्ड पेयर पूछा, ये नहीं हो सकता। फिर बात करते हैं BF3 के बारे में, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होंगे, 3 बॉन्ड पेयर होंगे, बिल्कुल सही है, एंड 1 लोन पेयर, बट यहाँ पे लोन पेयर एक भी नहीं होगा। तो फिर हम आगे चलते हैं NH2- में, NH2- में भी हमें क्या देखने को मिलेगा, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, ये भी नहीं हो सकता। फिर हम बात करते हैं PCl3 में, यहाँ पे क्या होगा, 3 बॉन्ड पेयर देखने को मिलेंगे और हमें 1 लोन पेयर देखने को मिलेगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, मल्टीपल बॉन्ड्स आर ऑलवेज शॉर्टर देन द कॉरेस्पॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड। ऑप्शन बी दिया गया था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज ए लेविस एसिड। सी दिया गया था, कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। एंड ऑप्शन डी दिया गया, एवरी A5 मॉलिक्यूल डज इन फैक्ट हैव स्क्वेयर पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए, जो AB5 मॉलिक्यूल होता है वहाँ पे 3 पॉसिबल ज्योमेट्री हो सकती है, एक कौन सी हो सकती है आपकी, प्लेनर पेंटागोनल, एक क्या हो सकती है, प्लेनर पेंटागोनल हो सकती है, एक क्या हो सकती है, स्क्वेयर पिरामिडल हो सकती है, और ये क्या हो सकती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो सकती है। इन्होंने क्या कहा है कि मॉलिक्यूल डज इन फैक्ट हैव स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पर एवरी बी ए बी फाइव जो है वहाँ पर क्या होगी, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, प्लेनर पेंटागोनल भी हो सकता है, स्क्वायर पिरामिडल, ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल भी हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसो स्ट्रक्चर विद SiCl4, यानी इसके साथ में आइसो स्ट्रक्चर कौन सा नहीं है। अब यहाँ पे ये कौन सा है, ये है आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। टेट्राहेड्रल के अंदर आपके कौन कौन से आते हैं, टेट्राहेड्रल के अंदर आपका SiCl4 आता है, इसके अलावा NH4 पॉजिटिव भी आपका टेट्राहेड्रल के अंदर आएगा, SO4-2 भी आएगा, PO4-3 भी आपका जो है वो टेट्राहेड्रल के अंदर आएगा। बट यहाँ पर जो आपका SiCl4 है यहाँ पर क्या होता है, एक लोन पेयर होता है जिसकी वजह से डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आता है, या फिर उसको बोल सकते हो सी सा स्ट्रक्चर आता है। तो इस वजह से जो आपका SiCl4 है वो आइसो स्ट्रक्चर नहीं है, किसके साथ में, SiCl4 के साथ में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28 पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, यानी ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर सभी बॉन्ड्स जो वो इक्वल नहीं है, NF3, CLF3, BF3 या फिर ALF3। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं BF3 और ALF3 के बारे में। यहाँ पर कौन सी शेप होती है, यहाँ पर होती है ट्राइगोनल सिमेट्री होती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन आती है, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं NF3 के अंदर, NF3 में क्या होता है, यहाँ पर आती है पिरामिडल ज्योमेट्री, बट यहाँ पे सभी जो बॉन्ड होते हैं वो इक्वल होते हैं, और ये किस वजह से आता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। बात करते हैं CLF3 के बारे में, तो CLF3 में जो होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर आता है, जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ, इसीलिए यहाँ पे सभी बॉन्ड जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ए ट्राइगोनल प्लेनर सिमेट्री, हमें बताना है कि किसके अंदर ट्राइगोनल प्लेनर सिमेट्री होगी, BF3 में होगी, NH3 में होगी, PCl3 में होगी या फिर IF3 में होगी। IF3 में क्या होती है आपकी टी शेप होती है, कौन सी होती है, टी शेप होती है। PCl3 में कौन सी होती है आपकी पायरामिडल होती है, NH3 में भी आपका पायरामिडल होती है, बट BF3 में क्या होती है ट्राइगोनल प्लेनर होती है, कोई लोन पेयर होता नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे बोला गया है इन रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल, एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है MX6, द नंबर ऑफ MX बॉन्ड इज 180 डिग्री कैंसिल होगी। तो ये हमारे पास हो गया X, फिर ये हो गया X, ये हो गया X, ये हो गया X, और फिर हमारे पास में इस टाइप से होगा XX, ये क्या हो गया हमारे पास में एक ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल हो गया। अब 180 डिग्री वाला एक तो ये 180 डिग्री हो गया, एक ये इस टाइप से 180 डिग्री हो गया, इसमें भी 180 डिग्री आएगा, ये 180 डिग्री, एक ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। तो हमसे पूछा 180 डिग्री वाले कितने होंगे, 3, 2, 6, 4, तो 3 होंगे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है इन BrF3 मॉलिक्यूल द लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्विटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज, यानी जो BrF3 होते हैं वहाँ पे लोन पेयर जो होते हैं वो इक्विटोरियल पोजीशन पे चले जाते हैं, वो किसको मिनिमाइज करने के लिए, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन को, या फिर बॉन्ड पेयर रिपल्सन को, या फिर लोन पेयर रिपल्सन एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन, या फिर लोन पेयर रिपल्सन ओनली। तो यहाँ पर जो आपके BrF3 के अंदर जो लोन पेयर होते हैं वो इक्विटोरियल पोजीशन पे चले जाते हैं, BrF, F और यहाँ पर चले जाते हैं आपके लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन। ये क्यों चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये जो रिपल्शन था लोन पेयर वाला और लोन पेयर वाला, इसको मिनिमाइज करने के लिए, तो लोन पेयर और जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इन दोनों को मिनिमाइज करने के लिए चले जाते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे पूछा गया है NO3- ion द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम, सबसे पूछा गया। सबसे पहले इसकी शेप आपको पता होनी चाहिए कैसी होती है, N के साथ में एक डबल बॉन्ड बनाएगा, एक O जाके एक यहाँ पे माइनस इस टाइप से आ जाएगा, और एक ये लोन पेयर जो है वो O को डोनेट करेगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पर कितने होंगे, 1, 2, 3, 3 और 4 जो है वो हमारे पास में क्या है, बॉन्ड पेयर है, बट हमारे पास में लोन पेयर क्या है, बचा है नहीं बचा है, जीरो बचा है, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर क्या है 4 है, लोन पेयर क्या है 0, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम, किसके अंदर बॉन्ड एंगल सबसे मैक्सिमम हो सकता है, NH3 में, NH4 पॉजिटिव में, PCl3 में, या फिर SLCl2 में। अब देखिए यहाँ पे जो NH3 और PCl3 है यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109 से लेस होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो रिपल्सन है वो आ जाता है, उसकी वजह से लेस देन 109.5 डिग्री होता है। SLC2 की बात करें तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 105। तो अब एक्चुअल में जो यहाँ पर, क्योंकि NH4 पॉजिटिव में केवल 4 बॉन्ड पेयर होते हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, तो यहाँ पे जो एक्चुअल जो बॉन्ड एंगल निकल कर आता है वो आता है 109.5, इन दोनों का 109.5 से थोड़ा सा कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 107 डिग्री के आसपास, बट यहाँ पे 109.5 तो मैक्सिमम पूछा है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे क्या पूछा गया है,
द बी सी एल थ्री इज ए प्लेनर मोलिक्यूल, यहाँ पे एक बी सी एल थ्री एक प्लेनर मोलिक्यूल है, वेयर इज एन एस सी एल थ्री इज ए पिरामिडल शेप, ऐसा क्यों है? नाइट्रोजन एटम स्मॉल है बोरोन से इसलिए, या फिर बी सी एल थ्री नो लोन पेयर बट एन सी एल थ्री इज लोन पेयर, या फिर बी सी एल बॉन्ड इज मोर पोलर देन द एन सी एल, या फिर एन सी एल बॉन्ड इज मोर कोवेलेंट देन द बी सी एल। एक्चुअल में जो बी सी एल थ्री है वहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं होता, बट जो एन यहाँ पे लोन पेयर होता है, इसीलिए यहाँ पर जो बी सी एल थ्री होती है वो प्लेनर होते हैं, जबकि एन सी एल थ्री क्या होती है आपका पायरामिडल होती है। तो ये जो हमारा आंसर दिया वो बिल्कुल सही दिया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे सामने है, इन ए कंपाउंड एक्स ऑल द बॉन्ड एंगल आर एक्जैक्टली 109.28। एक्स क्या है? क्लोरोमीथेन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, आयोडोफॉर्म है, या फिर क्लोरोफॉर्म है। तो यहाँ पर वो कंपाउंड जिसके में सभी एंगल बिल्कुल सेम है 109.28 डिग्री, तो वो जो कंपाउंड है वो है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री निकल कर आती है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब यहाँ पे हमारे सामने सी एन टू दिया गया है, तो यहाँ मतलब कार्बन कार्बन, और फिर यहाँ पे ये नाइट्रोजन हो गया और इधर नाइट्रोजन हो गया, तो 1 2 3 3 हमारे पास में क्या है सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 4 हमारे पास में क्या निकल कर आ रहे हैं पाई बॉन्ड निकल कर आ रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता जहाँ पे इक्वल पाई और सिग्मा बॉन्ड हो। फिर हम बात करते हैं सी एच टू सी एन टू के बारे में। अब यहाँ पर क्या होगा सी एच टू हमारे पास में होगा, ओके, और ये क्या होगा हमारे पास में सी एन, तो यहाँ पर हमारे पास में इस टाइप से सी एन टू वाला ले लेते हैं, ये हमारे पास में सी एन टू हो गया, क्लियर है, ये हमारे पास में सी एन टू हो गया, और फिर ये हमारे पास में सी एच टू हो गया, क्लियर है। तो अब यहाँ पर जो शेप है वो कौन सी निकल कर आएगी, देखिए यहाँ पर हमारे पास में सिक्स सिग्मा बॉन्ड निकल कर आएंगे, यहाँ पे क्या निकल कर आएंगे सिक्स सिग्मा बॉन्ड निकल कर आएंगे और फोर पाई बॉन्ड निकल कर आएंगे, बट हम बात करते हैं एस सी ओ थ्री माइनस की, तो यहाँ पे फोर सिग्मा ओ टू पाइप निकल कर आए, बट बात करते हैं एक्स ई ओ फोर, ये हमारे पास में एक्स ई, ये एक, ये दो, ये तीन, और ये हमारे पास में चार हो गए। ओके, तो यहाँ पर सब फोर ही सिग्मा और फोर ही पाई है, तो इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड हमारे पास में ऑप्शन डी में आएंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन नो पाई बॉन्ड, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, SO2, NO2, CO2 या फिर H2O, तो हाइड्रोजन जो होता है इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होते, दो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, यहाँ पे बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया, सिग्मा और पाई बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू कार्बन एटम, यानी दो कार्बन एटम है इसमें एक बीच में सिग्मा और पाई बॉन्ड बनते हैं, तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सबसे पहले बोला गया है सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉगर देन पाई बॉन्ड, ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि सिग्मा बॉन्ड जो होती है वो स्ट्रॉगर होते हैं पाई बॉन्ड में। फिर आगे बोला गया है बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर ऑफ द ऑर्डर 264 and 347 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। अब देखिए यहाँ पे सिग्मा की एनर्जी कम बताई गई है और पाई की ज़्यादा बताई गई है, बट अभी पढ़ के आए थे सिग्मा जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, तो वही यहाँ वाइस वर्सा होना चाहिए था, सिग्मा की एनर्जी इतनी और पाई की एनर्जी जो होती है वो कम होती है बॉन्ड एनर्जी, ये होता तो सही होता, बट इन्होंने क्या कहा है कि सिग्मा की 264 है और पाई की 374 है, तो ये गलत है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। फिर भी हम सी ऑप्शन देख लेते हैं, फ्री रोटेशन ऑफ एटम अबाउट ए सिग्मा बॉन्ड इज अलाउड बट नॉट इन केस ऑफ पाई बॉन्ड, बिल्कुल सही है, सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइन द डायरेक्शन बिटवीन द कार्बन एटम बट इन ए पाई बॉन्ड नो हैज प्राइमरी इफेक्ट इन दिस रिगार्ड, बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप इस क्वेश्चन को गूगल करोगे तो आपको दो में अलग आंसर मिलेगा, दो में अलग आंसर मिलेगा, बट इस क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे तो आपको सही आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। मेन एक्सिस ऑफ ए डाई एटोमिक मॉलिक्यूल इज जेड, इन्होंने कहा कि मेन एक्सिस ऑफ डाई एटोमिक मॉलिक्यूल की जेड है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पी एक्स एंड पी वाई ओवरलैप टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल, तो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल है जिसमें पी एक्स एंड पी वाई ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, सिग्मा बनाएंगे, या फिर डेल्टा बनाएंगे, या फिर नो बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, तो यहाँ पे देखिए पी एक्स एंड पी वाई ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, इन्होंने ये पूछा मॉलिक्यूलर ऑर्बिट पी एक्स एंड पी वाई ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, तो अगर यहाँ पे मेन एक्सिस है तो वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है, बट पी एक्स ऑर्बिटल और पी वाई करेंगे तो वो पाई बॉन्ड बनाते हैं, बट यहाँ पे पी एक्स और पी वाई और ओवरलैप कभी कर नहीं पाएंगे, इन्होंने यहाँ पे ऑर्बिटल्स नहीं बोला है, ऑर्बिटल बोला है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पी एक्स, एक पी एक्स है, एक पी वाई है, और जो ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ पे ऑर्बिटल्स लिखा हुआ है तो उसमें भी बहुत डिफरेंस हो जाता है, ऑर्बिटल्स का मतलब पी एक्स के दो हो गए, पी वाई के दो हो गए,
तो वो ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाते हैं, बट यहाँ पे केवल मॉलिकुलर ऑर्बिटल पी एक्स है और एक पी वाई है, वो ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे क्योंकि उनकी एक्सिस अलग अलग हो जाएगी, वो ओवरलैप ही नहीं कर पाएंगे। अगर ओवरलैप कर पाते हैं पी एक्स पी एक्स और पी वाई पी वाई तो वहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है। तो आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ए सिग्मा बॉन्ड इज ए वीकर देन ए पाई बॉन्ड, ए सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रेंगर देन ए पाई बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉगर देन ए सिंगल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन ए सिंगल बॉन्ड। तो अभी अभी पढ़ के आए थे कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉगर देन होता है पाई बॉन्ड, बट यहाँ पे क्या लिख दिया, वीकर लिख दिया। तो आंसर आ जाएगा ए, क्योंकि यही हमारी इनकरेक्ट है। क्लियर हो गया। ओके नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला गया भाई, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द एटम्स ईच हैविंग वन इलेक्ट्रॉन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, बनाएगा डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा सिग्मा बॉन्ड, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू मेटलिक बॉन्ड, यानी मेटलिक बॉन्ड में कौन सी चीज़ नहीं होती है, ओवरलैपिंग वैलेंस ऑर्बिटल, मोबाइल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर यहाँ पर ऑप्शन सी दिया गया डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर हाईली डायरेक्शनल बॉन्ड। तो देखिए जो मेटलिक बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्शनल बॉन्ड नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो होती है वो सभी साइड्स के अंदर जाती है, कोई डायरेक्शनल करेक्टर वहाँ पे नहीं होता है, तो डायरेक्शनल बॉन्ड नहीं बन सकते हैं, तो ये चीज़ मेटलिक बॉन्ड के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन ओवरलैपिंग ऑफ वन एस एंड वन पी ऑर्बिटल, तो ये एक एस ऑर्बिटल हो गया और ये पी ऑर्बिटल हो गया, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, 120, 10928, 120, 60 डिग्री। तो यहाँ पे कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड ही होंगे, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है। ओके तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 44 है, नीट 2017 में आया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, यानी हमें बताना है कि कौन सा कंपाउंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जिनका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है। आइसो का मतलब भी क्या होता है, सेम होता है केमिस्ट्री के अंदर। तो सबसे बात करते हैं टेलुरियम आई टू, टेलुरियम आई टू के जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये हमारे सामने निकल कर आएंगे 158, आप निकाल भी सकते हो। जेनियन, जेनॉन एफ टू के जब हम निकालेंगे तो ये हमारे सामने निकल कर आएगा क्या, 72। इन दोनों की एक की इसकी शेप जो है वो निकल कर आएगी बेंट शेप, और ये जो है वो लीनियर शेप के अंदर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आई एफ थ्री, आई एफ थ्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पर निकल कर आएंगे 80 और यहाँ पर निकल कर आएंगे 72। यहाँ पर आई एफ थ्री की शेप निकल कर आएगी टी शेप, और इसकी अभी बताया था लीनियर शेप निकल कर आएगी। अब यहाँ पे दिया है आई बी आर माइनस, आई बी आर टू माइनस, इसके जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये निकल कर आएंगे 124, शेप निकल कर आएगी लीनियर। जबकि यहाँ पर अगर हम निकालेंगे जीनोन एफ टू तो यहाँ पर इसकी जो शेप आएगी वो लीनियर आएगी, और यहाँ पर अभी बताया है कि इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 72। नेक्स्ट हम बेरिलियम क्लोराइड की बात करें तो यहाँ पर हमारे सामने निकल कर आएंगे इलेक्ट्रॉन 38, और यहाँ पर हमारे सामने कितने हैं, 72 है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास एक चीज़, दो चीज़ें ध्यान रखनी है, सबसे पहले शेप, शेप के अंदर हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। अगर शेप पूछी गई है या स्ट्रक्चर पूछा गया तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। अगर हमसे सिमेट्री पूछी जाती है कि इसकी सिमेट्री कैसी होगी, तो वहाँ पर जो भी सेंट्रल एटम है उसके लोन पेयर को काउंट करना पड़ता है। तो ये एक पॉइंट, स्टार पॉइंट लगा के आप रख सकते हो। क्लियर है। ओके अब देखिए यहां पर इसमें से कोई भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ही नहीं, यहां पे 158 72 124 72 38 72 80 72, बट यहां पर अगर आप इस क्वेश्चन को गूगल करो कि तो यहां पे ये जो बी आर दिया हुआ है इसकी जगह फ्लोरीन दिया, यानी आई एफ टू माइनस दिया, इसका जब हम निकालेंगे तो ये 72 निकल कर आएगा। अगर यहां पर आई एफ टू माइनस वाला ये दिया हुआ है तो ये 72 72 और दोनों की शेप लीनियर लीनियर निकल के आती है, तब ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बिल्कुल करेक्ट। बट इस क्वेश्चन में यहां पर हमारे सामने बी आर दिखाई दे रहा है तो यहां पर इसके जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक ये नहीं है, तो इसलिए कोई भी आंसर यहां पर हमारे सामने निकलकर नहीं आ रहा है। आई होप समझ गए होंगे। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 प्लस NO3 माइनस NH4 प्लस रिस्पेक्टिवली आर। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन भी आगे आने वाले हैं, तो आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ एटम्स देख लेने हैं। नंबर ऑफ एटम्स, कौन से एटम्स अटैच विद सेंट्रल एटम, यानी यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है जैसे नाइट्रोजन है सभी में, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ में कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, पहली चीज़ तो ये काउंट कर लेनी है, प्लस लोन पेयर,
यानी यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर कितने लोन पेयर है, ये दो चीज़ ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स अटैच विद द सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम उसके साथ में कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच है, 2, 3, 4, प्लस लोन पेयर जो सेंट्रल एटम है उस पर कितने लोन पेयर है, इन दोनों को काउंट कर दीजिए। अगर ये 2 आ रहा है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp, अगर 3 आ रहा है तो sp2, अगर 4 आ रहा है तो sp3, और अगर 5 आ रहा है तो sp3d, फिर 6 आ रहा है तो sp3d2, इस टाइप से आप याद रख सकते हो। ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है इसकी जो निकालने की, क्लियर है? ओके, सबसे पहले बात करते हैं NO2+ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? NO2+ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में जो सेंट्रल एटम है कितने हैं, सेंट्रल एटम से जो एटम अटैच है वो कितने हैं, 2 हैं ऑक्सीजन। क्या यहाँ पर कोई लोन पेयर है? नहीं है, 0, तो हमारे पास निकल कर आता है 2 है, तो इसका शेप क्या होगी, sp हो गया हाइब्रिडाइजेशन, तो पहले की हो गई sp, ये वाले नहीं हो सकते। नेक्स्ट NO3- देखते हैं, तो NO3 हमसे बोला गया है, तो सिंपल यहाँ पर क्या होगा, देखिए NO3- में यहाँ पर हमारे पास में एटम कितने अटैच है सेंट्रल एटम से, 3। क्या कोई लोन पेयर है नाइट्रोजन पे? कोई भी नहीं है, प्लस 0, तो 3 आ गया, तो यहाँ पे sp2 हो जाएगा, तो सेकंड वाले की क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी। अब इसके साथ में अगर हम देखें तो हमारे पास में सेंट्रल एटम के साथ में एटम कितने अटैच है, 4 है, प्लस नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर रहेगा? नहीं रहेगा, तो 4 हो गया, तो क्या हो गया, sp3 हो गया, तो इस टाइप से हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इस टाइप से बहुत सारे आगे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल का वापस 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया। CO3-2, हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, पहले निकाल लेते हैं कितने हैं, 32। अब बात करते हैं NO3-, यहाँ पे भी कितने हैं, 32। दोनों की शेप क्या आएगी, ट्राइगोनल प्लेनर, क्या निकल कर आएगी, ट्राइगोनल प्लेनर निकल कर आएगी। ओके, अब हम बात करते हैं ClO3- की, ClO3- ClO3 में माइनस जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने निकल कर आएंगे, 42। CO3-2 में अभी देखा था कितने थे हमारे पास में, 32, ये नहीं हो सकता। SO3-2- में हमारे पास में कितने निकल कर आएंगे, 42। NO3 में अभी देखा था कितने, 32, ये भी नहीं हो सकता। ClO3 में कितने आएंगे, 42। SO3-2 के अंदर अगर बात करें तो 42, यहाँ पर भी 42 और यहाँ पर भी 42। शेप देख लें दोनों में कैसी आएगी, पिरामिडल शेप आएगी, तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है, तो दोनों के अंदर आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है और आइसो स्ट्रक्चर भी है, तो यहां पे हमारे आंसर दोनों ही बनते हैं, ये वाला और ये वाला। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन। अभी मैंने आपको बता दिया था कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, शेप के अंदर हम लोन पेयर काउंट नहीं करते हैं, स्ट्रक्चर भी आ जाता है तो भी वो शेप पूछ रहा है, बट सिमेट्री अगर वो पूछ ले तो वहाँ पे लोन पेयर काउंट करने पड़ते हैं। किसकी बात कर रहा है, XeF4 की, तो यहाँ पर XE में कितने होते हैं, कितने एटम जो है वो वैलेंसी कितनी होती है, 8 होती है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हमारे पास में ये हो चुका है। अब मैंने आपको बताया था पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच है, 1, 2, 3, 4, 4 नंबर ऑफ एटम अटैच है, प्लस इसके पास लोन पेयर कितनी है, 2, तो 4+2 कितने हो गए, 6 हो गए। अब 6 है तो क्या होगा, sp3, ये हमारे पास में क्या हो गया, 4 हो गया। अब उसके बाद में डी कितने हो जाएंगे, 2, तो देखिए 1, 3, 3 और 1 कितने हो गए, 4, 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp3d2 हो गई। बट यहाँ पर देखिए शेप अगर पूछेंगे तो स्क्वायर प्लेनर आएगा, बट हमसे पूछा क्या है, ज्योमेट्री पूछा है, तो ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, लोन पेयर काउंट करते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल sp3d2 वाला होगा, sp3d, sp3d3, sp2। स्क्वायर प्लेनर अगर हमसे यहाँ पर शेप पूछता, अगर इसकी शेप पूछता तो ये आती, बट हमसे ज्योमेट्री पूछा तो ये आएगी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, PH5 एंड BiCl2 डोंट नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही है। Pπ, Dπ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन SO2, बिल्कुल सही है। SeF4 एंड CH4 हैव सेम शेप, या फिर I3+ हैज द बेंट ज्योमेट्री। पहले बात करते हैं SeF4 के बारे में, तो SE के पास में हमारे पास में एक लोन पेयर बच जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, F, देखते हैं 1, 2, 3, 4, 4 एक ये 5 हो गया, तो sp3d निकल कर आ रहा है, क्या, sef4। क्लियर है? ओके, उसके बाद में बात करते हैं CH4 के बारे में, तो कार्बन से अटैच ही कितने हो सकते हैं, 4 अटैच हो सकते हैं हमारे सामने, तो 4 अटैच हो गए हैं, तो 1, 2, 3, 4 होंगे, तो ये sp3, एक तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ रही है और एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, तो यहीं से हमारा अलग अलग हो जाता है। उसके बाद में इसकी जो शेप निकल कर आएगी ड्यू टू द लोन पेयर वो सीसा शेप निकल आएगी, और इसकी जो वो टेट्राहेड्रल निकल आएगी, तो सेम शेप नहीं है, तो ये हमारे सामने रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। विन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, यानी कौन से आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। डायमंड और सिलिकॉन, NS3, PS3, XEF4, XEU4, SiCl4 और PCl4+। अब सिंपल देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड की। तो डायमंड एंड सिलिकॉन जो होते हैं वो आइसोस्ट्रक्चर होते हैं। NS3 PS3 एक ही सेम ही फैमिली के यहाँ पे ये भी होते हैं। उसके बाद में XEF4 XEO4 इसकी बात कर लेते हैं। तो XE अभी बात की थी, यहाँ पर इसकी जो शेप निकल कर आती है वो निकल कर आती है हमारे पास में दो लोन पेयर हो गई, क्लियर है। ओके, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 हो गया, तो इसका मतलब है sp3d2। अब बात करते हैं XEO4 के बारे में। XE तो ये हो गया हमारे पास में 1 2 3 4, केवल 4 एटम है, कोई भी लोन पेयर यहाँ पे बचा नहीं है, तो sp3 आएगा। तो इनकी हाइब्रिडेशन भी अलग अलग हो गई है, तो इनकी शेप भी अलग अलग हो जाएगी। तो ये वाले हैं जिनकी बोथ द स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चर, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि एक स्क्वायर प्लेनर निकल कर आएगी और एक टेट्राहेड्रल निकल कर आएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो NO2+, अगर हम NO2+ में निकालें तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल निकल कर आएगा 180 डिग्री, हाइब्रिडेशन होगी sp। NO3- की बात करें तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन होगी हमारे पास में sp2 और एंगल निकल कर आएगा 120 डिग्री। NO2 की बात करें तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन निकल कर आएगी sp2 और यहाँ पे हमारे पास में जो एंगल निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 134 डिग्री। NO2- की बात करें तो हमारे हाइब्रिडेशन निकल कर sp2 और एंगल निकल कर आएगा 115 डिग्री। विच मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल 180 डिग्री वाला है, फिर उसके बाद में 134, फिर 115, सॉरी फिर 112 और फिर 115। हमसे मैक्सिमम पूछा है तो आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज प्लेनर ट्रायंगुलर शेप। प्लेनर ट्रायंगुलर शेप हमसे पूछा गया है, ऑप्शन दिए गए हमारे सामने ये रहे, N3 में होगा, NO3- में होगा, NO2- में होगा या फिर CO2- के अंदर होगा। तो जो NO3- होगा, N एक हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, एक इसको लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर देते हैं और एक ऑक्सीजन, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर sp2 निकल कर आएगी हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि सेंट्रल एटम गिन लीजिए 1 2 3 कोई लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पर sp2 आएगी और यहाँ पे जो शेप निकल कर आएगी वो आएगी ट्राइगोनल प्लेन है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 52 देख लेते हैं, XEF4 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद, XEF2 है हमारे सामने आइसोस्ट्रक्चरल किसके साथ में होगा ये। तो सिंपल देखिए, यहाँ पर XEF2 है आइसोस्ट्रक्चरल, मतलब हमें शेप यहाँ पर लोन पेयर को काउंट ही नहीं करना है। तो सिंपल है, यहाँ पर XEF2 की शेप कैसे निकल कर आती है, लीनियर शेप निकल कर आती है, और यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन निकल कर आएगी वो कौन सी निकल कर आएगी, अब 1 2 3 3 लोन पेयर होंगे हमारे पास में और दो एटम हो गए प्लस 2 5, तो sp3d हाइब्रिडेशन निकल कर आनी चाहिए। अब सबसे पहले SbCl3 देख लेते हैं। तो SbCl3 में क्या होगा, हमारे पास में एटम कितने हो गए, 3 हो गए, प्लस एक लोन पेयर हो गया, तो ये हमारे पास में हो गया 4, तो sp3 आएगा, क्लियर है। तो उसके बाद में हम बात करते हैं BaCl2 के बारे में। BaCl2 की बात करें तो यहाँ पर हमारे सामने क्या होगा, sp निकल कर आएगी, क्यों, क्योंकि बेरिलियम के साथ में दो ही अटैच है, तो s और p निकल कर आएगी। फिर हम बात करते हैं टेलोरियम F2 के बारे में। तो टेलोरियम F2 में दो लोन पेयर होंगे, दो एटम हो गए, 4 हो गए, तो sp निकल कर आएगी। फिर बात करते हैं ICl2 के बारे में, तो ICl2- है यहां पर, इसका मतलब क्या है, दो एटम अटैच हो गए, प्लस में 3 लोन पेयर हो गए, तो ये भी निकल कर आएगी sp3d, ये भी लीनियर शेप निकल कर आएगी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर लेते हैं, कि 53 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इनमें से कौन सा एक पोलर मॉलिक्यूल है, यानी जिसका डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं है। तो यहाँ पर बात करते हैं SiF4, XeF4, BF3 या फिर SF4। तो यहाँ पे जो SF4 है वहाँ पे हाइब्रिडेशन निकल कर आती है, sp3d शेप आती है सीसो से, बट इसका जो है वो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। तो SF4 जो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, एक पोलर मॉलिक्यूल हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर जो है वो 54 है, द आउटर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इन इथीन मॉलिक्यूल कैन बी कंसिडर्ड टू बी हाइब्रिडाइज्ड टू गिव 3 इक्विवेलेंट sp2 ऑर्बिटल, द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे बोला गया आउटर वाला sp2 होना चाहिए। सबसे बात करते हैं इथीन की, कितने होंगे हमारे पास में हाइड्रोजन, ये काउंट कर लेते हैं 1 2 1 2 1 2, अब यहाँ पर हो गया क्लियर। ओके,
अब देखिए आप कहोगे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे आई, तो इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 3 जो एटम अटैच है, इसकी बात करें तो 1 2 3 3 एटम अटैच है, तो क्या आएगा sp2 निकल कर ही आएगा। बट हमसे सिग्मा और पाई पूछा है, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड को क्या आप काउंट करते हैं, सिग्मा, और जो डबल बॉन्ड होते हैं उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो यहां पर हमसे पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, टोटल नंबर देखते हैं 1 2 3 4 5 क्या हो गया सिग्मा हो गए और एक क्या हो गया पाई हो गया, तो आंसर निकल कर आ जाएगा क्या हमारे पास में ऑप्शन सी। अगर केवल एक बॉन्ड पे पूछता तो हम बात करते कि हम अलग अलग बताते, 1 2 3 हम सिग्मा बताते और 1 पाई बताते, बट यहां से हमसे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई पूछा गया इथीन मॉलिक्यूल में, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 55 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीसीज हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वापस उसी टाइप से निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहां पर हम 55 के अंदर SiF4 देख लेते हैं, SiF4 के अंदर बात करें तो यहां पर टोटल 4 एटम्स है, लोन पेयर क्या है नहीं है, तो यहां पर हमारे पास में जो हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आएगी वो आएगी sp3। BeH2 यहां पर केवल जो है कोई लोन पेयर नहीं है, दो ही एटम अटैच है, तो यहां पर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp। NF3 की बात करते हैं तो हमारे पास में जो वो तीन एटम है एक लोन पेयर है, तो sp3। H2O की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में क्या है, दो हाइड्रोजन अटैच है, दो ही हमारे पास में क्या हो गए लोन पेयर हो गए, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आएगी, क्लियर है। ओके उसके बाद में NF3 की अभी बात की थी, SF3 आएगी, BF3 की बात करें तो SP2 आएगी, H2S की बात करें तो SP3 आएगी, और BF3 की बात करें तो SP2 आएगी, तो SP3 SF3 वाला ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, क्लियर है। यहाँ पे SP3 हाइब्रिडेशन इन दोनों की आ रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोस्ट्रक्चर हैविंग द सेम शेप एंड हाइब्रिडेशन, यानी उनका सेम शेप होनी चाहिए और हाइब्रिडेशन भी उनकी सेम होनी चाहिए, तो वो आइसोस्ट्रक्चर कहलाते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले BCl3 में बात करते हैं केवल बोरोन के साथ में तीन ही है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, BrCl3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आएगी, क्यों, क्योंकि तीन एटम अटैच हो गए और फिर लोन पेयर बच गए, तो हमारे पास में कितने दो लोन पेयर हो गए, तो यहां पे हमारे पास में क्या निकल कर आएगा sp3d आएगा, ठीक है, क्योंकि तीन एटम ये हो गए दो लोन पेयर हो गए तो टोटल 5 हो गए, तो 3145 sp3d आएगा। NH3 की बात करें तो हमारे पास में तीन एटम हो गए और एक लोन पेयर हो गया, तो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा टोटल 4, तो इसका मतलब sp3 आना चाहिए। NO3- की बात करें तो ये हमारे पास में कितना आएगा sp2 आएगा, क्यों, क्योंकि कोई भी लोन पेयर नहीं है और केवल जो है वो तीन एटम अटैच है, तो sp2 आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं NF3 के बारे में, तो NF3 में क्या आएगा हमारे पास में तीन एटम अटैच है एक लोन पेयर है, तो 4 हो गया टोटल, तो sp3 हो जाएगा। BF3 की बात करें कोई लोन पेयर नहीं है, तीन एटम अटैच है, तो sp2 हो जाएगा, क्लियर है। ओके BF4- की बात करते हैं, BF4 चार एटम अटैच है कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा। NH4 की बात करें तो कोई भी लोन पेयर नहीं है, चार एटम अटैच है, तो sp3 हो जाएगा। तो सेम किस में हो रही है sp3 इसी में आ रही है, बाकी किसी में सेम नहीं आ रही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 विच ऑफ द फॉलोइंग टू आयन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो हैव द ज्योमेट्री दैट इज एक्सप्लेन बाय द सेम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल NO2- NO3- NH2- NH4+ HCN। तो हमें बताना है कि किसकी जो शेप वगैरह है, जो ज्योमेट्री वगैरह है, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह है, वो सेम होनी चाहिए, दैट इज़ एक्सप्लेन बाय द सेम हाइब्रिडाइजेशन। तो NO2- हम काफ़ी बार निकाल चुके हैं, sp2 निकल कर आएगा क्योंकि दो एटम अटैच है और एक हमारे पास में लोन पेयर बच जाएगा, तो sp2 निकल कर आएगा। NO3 में कोई भी लोन पेयर नहीं है, तीन एटम अटैच हैं, तो sp2 हमारे सामने आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं NH4 पॉजिटिव की, तो चार एटम अटैच है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो sp3। NO3- अभी निकाला था, क्या आएगा sp2। SCN- तो SCN- के सामने हमारे पास में निकल कर आएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद में बात करते हैं NH2- तो NH2- में हमारे पास में क्या निकल कर आएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आएगी। फिर NO2- की बात करते हैं तो कितनी बार निकाल चुके हैं NO2- sp2 और NH2- भी कितनी निकल कर आएगी, सॉरी NH2- में हमारे पास में क्या निकल कर आएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आएगा। हमसे सेम वाला कौन सा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला, ये तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 58 देख लेते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल आयन द सेंट्रल एटम है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, किसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आएगी। तो NO2- अभी निकाल कर आए हैं, कितनी बार निकल कर आ चुके हैं sp2 है, बट क्या NH3 की भी sp2 है, जी नहीं। देखिए NH3 की कितनी निकल कर आएगी, sp3 निकल कर आएगी, क्यों, क्योंकि तीन जो है वो एटम अटैच है एक लोन पेयर है, तो sp3 निकल कर आएगी, तो ये नहीं हो सकता।
हमसे पूछा गया sp2 इसकी कितनी निकल कर आ रही है, sp2 निकल कर आ रही है। no2 माइनस की निकाल चुके हैं, sp2 निकल कर आ रही है, तो दोनों की सेम निकल कर आ रही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। बाकी आप निकाल सकते हो ns2 की निकल कर निकाल सकते हो, h2o की निकाल सकते हो, और फिर bf3 की तो हम निकाल ही चुके हैं, ns2 माइनस की आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 59 देख लेते हैं। विन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द सेंट्रल एटम हैज द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन विच इज नॉट सेम एज दैट द प्रेजेंट इन अदर थ्री। यानी यहाँ पर हमें बताना है कि ऐसा कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एज द सेंट्रल एटम एज द टाइप ऑफ हाइड्रेशन विच इज नॉट द सेम एज द प्रेजेंट इन द अदर थ्री। मतलब यहाँ पर केवल बाकी तीनों में तो सेम हाइब्रिडेशन निकल कर आएगी, एक ही है जिसमें अलग हाइब्रिडेशन निकल कर आएगी, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं SF4 से, तो यहाँ पे चार सेंट्रल एटम है, लोन पेयर कितना है, 1 है, तो 4 और 1 5 हो गया, 5 कैसे होगा, sp3d हाइब्रिडेशन निकल कर आएगी। अब बात करते हैं I3-, तो तीन एटम अटैच हो गए और लोन पेयर कितना बच गया हमारे पास में, 2 लोन पेयर बच गए, तो टोटल 5 हो गए, 3+2, तो sp3d हाइब्रिडेशन यहाँ पर भी निकल कर आ रही है। फिर हम बात करते हैं SBCl5-2, तो यहाँ पर जो है वो भी निकल कर आएगा हमारे पास में sp3d2, क्यों, क्योंकि तीन एटम अटैच है और फिर उसके बाद में हमारे पास में लोन पेयर बच जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में जो निकल कर आएंगे वो आएंगे sp3d2 निकल कर आएगा। उसके बाद में बात करते हैं PCl5, तो ये क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली से बात करते हैं, तो यहाँ पर केवल 5 एटम बटा सकते हैं, तो 5 के 5 हो गए, तो यहाँ पर क्या हो गया, sp3d निकल कर आएगा। एक ऐसा है जिसमें sp3d2 निकल कर आया है, वो हमारे पास में ये वाला है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, इसका अलग है, बाकी सबका सेम है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 60 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में हमसे पूछे गए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम डज नॉट हैव sp3 हाइब्रिडेशन, यानी कौन सा है जिसके अंदर sp3 हाइब्रिडेशन नहीं है। चार सेंट्रल एटम है, चारों के चारों बिल्कुल सही है, sp3 निकल कर आ गया। अब बात करते हैं SF4 तो हमारे पास में हो चुका है, अब इसमें लोन पेयर कितने बच गए ये आप देख लीजिए, एक लोन पेयर बच गया, तो यहाँ पर निकल चुका जो आएगा 1 5, तो ये आएगा sp3d। SF4 में sp3d निकल कर आता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसी में sp3 नहीं है, बाकी आप सब में काउंट कर लेना, sp3 निकल कर आएगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 61 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हमारे सामने है, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द टू स्पीसीज NO3- एंड H3O+ आर डिस्क्राइब बिलो, विच वन ऑफ देम इज करेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए हाइब्रिडेशन निकाल लेते हैं दोनों की, इसकी हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो ये हमारे सामने निकल कर आएगी sp2, और यहाँ पे इसके निकाल के देखेंगे तो ये हमारे सामने निकल कर आएगी sp3। तो बात करते हैं डिसिमिलर इन हाइब्रिडेशन फॉर द सेंट्रल एटम विद डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए हमारे पास में क्या है, विच ऑफ देम इज करेक्ट पूछा, तो डिसिमिलर हाइब्रिडेशन है, एक की sp2 है, इसकी sp3 बिल्कुल सही है, और डिफरेंट स्ट्रक्चर तो फिर होना ही होना है, क्योंकि हमारे पास में हाइब्रिडेशन भी अलग निकल कर आई है। आइसो स्ट्रक्चर विद सेम हाइब्रिडेशन नहीं है, आइसो स्ट्रक्चर विद डिफरेंट हाइब्रिडेशन फॉर द सेंट्रल एटम, आइसो स्ट्रक्चर ये भी नहीं है, सेम सेप निकल कर नहीं आएगी। सिमिलर इन हाइब्रिडेशन फॉर द सेंट्रल एटम विद डिफरेंट स्ट्रक्चर, सिमिलर इन हाइब्रिडेशन भी नहीं है, हाइब्रिडेशन भी बिल्कुल अलग अलग है, तो हमारे पास में क्या है, डिसिमिलर इन हाइब्रिडेशन फॉर द सेंट्रल एटम विद डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 62 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन BF3 NO2- NH2- H2O द सेंट्रल एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हमसे पूछा गया कि कौन सा सेंट, तो तीन एटम यहां पर अटैच है, क्लियर है, और इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो तीन हो गया, तो 3 क्या हो गया, sp2 हो गया, ये हो गया भैया हमारे पास में। NO2- की बात करती हैं, तो यहां पर देखिए दो हमारे पास में ऑक्सीजन एटम अटैच है और एक लोन पेयर बच जाएगा, तो टोटल हो गए 3, तो ये भी हमारे पास में निकल कर आएगा sp2। अब हम बात करते हैं NH2- की, दो सेंट्रल एटम अटैच है और दो ही हमारे पास में लोन पेयर बच जाएंगे, तो ये हमारे पास में टोटल 4 हो गया, तो ये हो गया हमारे पास में sp3। H2O की बात करें तो हमारे पास में दो लोन पेयर है, दो सेंट्रल एटम अटैच है, तो ये हमारे पास में sp3। हमसे पूछा है sp2 वाले कौन से है, तो BF3NO2- वाले होंगे, तो BF3NO2- वाले होंगे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 63 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू स्पीसीज आर आइसोस्ट्रक्चरल, यानी यहाँ पर कौन सी दो स्पीसीज है जो आइसोस्ट्रक्चरल होगी, तो यहाँ पर देखिए दोनों के अंदर sp3 आएगा, स्ट्रक्चरल ट्राइगोनल पिरामिडल आएगा, और दोनों के अंदर एक लोन पेयर होगा, और वो है हमारे पास में Br और XeO3। यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसी यहाँ पे O और फिर और एक लोन पेयर इसके पास में बच जाएगा, इसी तरह से हमारे पास में Br आएगा, O और यहाँ पे एक हमारे पास में लोन पेयर बच जाएगा, तो सेम आएगा, सेम हाइब्रिडेशन आएगी, सेम शेप निकल कर आएगी, तो आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज है लीनियर शेप, किसके अंदर लीनियर शेप आएगा, ओजोन के अंदर यानी O3 के अंदर, NO2- के अंदर, SO2 के अंदर, या फिर NO2+ के अंदर। हमसे लीनियर शेप पूछा है, शेप के अंदर हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं,
तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास में जो निकालना है वो निकालना है किसको, NO2+, जो NO2+ है यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, सॉरी NO2- आएगा, है ना, NO2- आएगा। देखिए NO2 हमारे पास में क्या हो गए, सेंट्रल एटम हो गए, और उसके बाद में कोई भी लोन पेयर यहाँ पर नहीं है, तो हमारे पास में एस भी जो निकल कर आएगी वो इसी की निकल कर आएगी, तो हमारे पास में यही जो है वो लीनियर शेप निकल कर आएगी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इज, करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन जो होती है वो क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन होगी इंक्रीज एज द एस करेक्टर इंक्रीज, जैसे जैसे एस करेक्टर इंक्रीज होंगे तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। अब देखिए इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ पे देखिए एस और पी ऑर्बिटल ले लेते हैं, तो एस और पी दो ही है, उसमें से एस का करेक्टर कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, टोटल यहाँ पे 2 है, उसमें से एस केवल 1 है, तो 1/2 हो जाएगा, यानी 50% करेक्टर एस करेक्टर है, जबकि यहाँ पर देखिए टोटल एटम कितने हैं 3 है, उसमें से एस करेक्टर कितना है केवल 1 है, तो ये हमारे पास में 33% हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर एस पी 3 में, तो टोटल एटम कितने हो गए 4 हो गए, उसमें से एस केवल 1 है, तो ये हो गया हमारे पास में 25%। अब जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा जो वह sp है, फिर sp2 है, फिर sp3 है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके सॉरी, यहाँ पर देखिए नहीं है, यहाँ पे इस टाइप से दिया गया, ये sp2 है, ये नहीं होगा, ये sp और फिर ये sp, ये भी चीज़ बहुत अच्छी है बात ध्यान रखने के लिए, हम पहला देखते हैं आगे वाले देखते नहीं कि सेम होगा, तो ये चीज़ भी हमारे पास में, सॉरी माई मिस्टेक, ये भी हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये टाइप से भी बिल्कुल सही होगा, तो ये हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 66 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 में क्या पूछा गया, अमोंग द फॉलोइंग द पेयर इन विच द टू स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, ऐसी कौन सी है जहाँ पर दोनों आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है। पहले बात करते हैं SiF4 के बारे में, तो SiF4 के अंदर जो है वो कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, 4 सेंट्रल एटम अटैच हैं, तो इसकी हाइब्रिडेशन निकल कर आएगी sp3। अब बात करते हैं SF4 के बारे में, तो SF4 के अंदर क्या होगा, 4 सेंट्रल एटम अटैच हो गए, एक लोन पेयर हो गए, तो टोटल 5 हो गए, तो sp3d, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन सेम नहीं है, आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब हाइब्रिडेशन सेम होनी चाहिए, शेप सेम होनी चाहिए, तो वो चीज़ नहीं है, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा यही वाला ऑप्शन ए। आगे हमें देखते हैं, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, यानी कौन पी पाई डी पाई तक जाएगा, NO3- जाएगा, SO3-2 जाएगा, BO3- जाएगा, या फिर CO3-2 जाएगा, तो यहां पर जो हमारे पास में पी पाई डी पाई तक जाएगा वो जाएगा हमारे पास में SO3-2, क्लियर है, क्योंकि यहां पर जो है वो हाइब्रिडेशन आएगी sp3d। कैसे आएगी, 3 सेंट्रल एटम अटैच हो गए, क्लियर है, उसके बाद में हमारे पास में 2 लोन पेयर आ जाएगा, क्योंकि 2- दिया हुआ है, तो इसी टाइप से हमारे पास में जो है वो टोटल 5 आ जाएंगे, 3 सेंट्रल एटम हो गए, 2 लोन पेयर हो गए, 5 हो गए, तो sp3d आएगा, और किसी में ऐसा नहीं होगा, तो हमारे पास में आंसर निकल कर आ जाएगा, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर भी है sp और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी तो आ भी नहीं सकता है, तो इस टाइप से, क्लियर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू आइसोस्ट्रक्चरल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू आइसोस्ट्रक्चरल हमारे पास में, तो सेम हमें वही वापस निकालना है, क्या हाइब्रिडेशन निकालनी है और शेप निकालनी है, दोनों की सेम होनी चाहिए, तो सबसे पहले बात करते हैं XeF2 के बारे में, XeF2 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में कितने होते हैं एटम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 यहाँ पे अटैच हो गए, तो 2 एटम हो गए हमारे पास में लोन पेयर, 1, 2, 3 हो गया, तो 3 और 2 5 हो गया, 5 का मतलब क्या हो गया, sp3d हाइब्रिडेशन हो गया। उसी टाइप से IF2 की बात करते हैं, तो I में कितने होते हैं 7 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्लियर है, तो यहाँ पर एक F यहाँ पे अटैच हो गया, एक F यहाँ पर अटैच हो गया, बट एक इसके पास में क्या आ गया, वापस से नेगेटिव चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 1, 2, 3, 3 हमारे पास में लोन पेयर हो गए, 2 ही हो गए, तो टोटल ये भी क्या निकल कर आ गया, sp3d निकल कर आ गया, तो ये बिल्कुल सेम हो गया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 69 की बात कर लेते हैं, द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड अदर कार्बन एटम इज मिनिमम इन, बॉन्ड लेंथ सबसे मिनिमम किस में होगी, तो देखिए अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उसकी होगी जहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, फिर उसके बाद में उससे कम उसकी, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखिए प्रोपीन है, प्रोपाइन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, तो यहाँ पर जो हमारे पास में क्या आएगा,
जो हमारे पास में आयन है, हमसे बॉन्ड लेंथ बिटवीन द कार्बन इज मिनिमम पूछा गया, तो आयन वाला है जिसमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो सबसे मिनिमम बॉन्ड लेंथ भी इसमें निकल कर आएगी। अगर मैक्सिमम पूछते तो फिर हम बात करते आगे। नेक्स्ट हमारे पास में बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। वापिस से आप निकाल लीजिए भैया, BeCl2 में निकालोगे तो क्या निकल कर आएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आएगी। दो सेंट्रल एटम है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर अगर आप निकालोगे C2H2 के बारे में, तो C2H2 में भी हमारे पास में sp हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आएगी, क्योंकि देखिए ये कार्बन हो गए और हमारे पास में जो है वो केवल दो ही एटम, तो ये सेंट्रल एटम, ये H हो गया और ये H हो गया, तो इस एटम के साथ में दो ही एटम अटैच है, इसके साथ में भी दो ही एटम अटैच है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो दो एटम अटैच है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं C2H6 में, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? क्योंकि देखिए ये हो गया 1 2, फिर 1 2 3 4, यहाँ पर हो गया हमारे पास में H और यहाँ पर भी हो गया H और H। इस सेंट्रल एटम में देखिए कितने एटम अटैच हैं, 4 एटम अटैच है, इसमें भी कितने हैं, 4 एटम अटैच है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो हमारे पास में क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आएगा। हमसे sp2 वाला पूछा, एक sp हो गया, एक sp हो गया, एक sp3 हो गया, तो यहाँ पर देखिए C2 और H4, 1 2 3 1 2 3 3 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, sp2 हो गया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 हमसे क्या पूछा गया है, विच वेन द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम चेंज फ्रॉम sp3 टू sp2 एंड फाइनली टू sp2 द एंगल बिटवीन द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, एंगल क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। डिक्रीज ग्रेजुअली, डिक्रीज कंसिडरेबली, इज नॉट अफेक्टेड, इंक्रीज प्रोग्रेसिवली। तो sp3 में जो एंगल होता है वो 109 होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 एटम अटैच है, तो टेट्राहेड्रल शेप होगी। फिर sp2 में 3 एटम अटैच है, इसका मतलब ट्राइकोनल प्लेनर है, एक ट्राइंगल के अंदर एक एंगल होता है 120 डिग्री का। फिर sp का मतलब क्या हो गया, केवल दो ही एटम अटैच है, बिल्कुल लीनियर शेप है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर जैसे जा रहे हैं तो एंगल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, नहीं डिक्रीज हो रहे हैं, नहीं अफेक्टेड हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे, नॉट अफेक्टेड, ये गलत हो गया, इंक्रीज हो रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। तो सबसे कम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ के लिए हमें क्या चाहिए, कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, तो इन आइन एन, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं, विच स्ट्रक्चर इज लीनियर, नीलियन के हम लिए हमें जो हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होगी वो sp निकालनी होगी, और यहाँ पे जो कार्बन CO2 है, तो कार्बन में देखिए कार्बन से एक ऑक्सीजन इधर अटैच हो गया, एक इधर अटैच हो गया, तो यहाँ पे एटम कितने अटैच हैं, दो अटैच हैं। उसके बाद में यहाँ पर कोई भी लोन पेयर सेंट्रल एटम पे नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sp निकल कर आएगा, शेप कैसे आ जाएगी, लीनियर निकल के आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन s करेक्टर, तो अभी हमने ये बातें पहले भी की थी, s करेक्टर पूछा है, टोटल एटम कितने हैं, 4 हो गया, क्योंकि 3p वाले एक s वाला, और s कितना हो गया, 1 4, तो 1 4 s करेक्टर हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 75 पूछ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 में है, द कॉम्प्लेक्स आयन CONH3 6 पॉजिटिव इज फॉर्म्ड बाय sp3 2 हाइब्रिडेशन, हेंस द आयन शुड पोजिस। देखिए यहाँ पर sp3d2 है, तो हमसे पूछा है कि कौन सी शेप आएगी, ऑक्टाहेड्रल आएगी, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और टेट्रागोनल। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में जो हाइब्रिडेशन आई है वो आई है sp3d2, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी यहाँ पे जो हमारे पास शेप निकल कर आएगी वो आएगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव ए लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, कौन सा ऐसा है जिसके पास में लीनियर अरेंजमेंट नहीं होगी। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर C2H2 BeS2 यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, दो एटम अटैच है, तो यहाँ पर जो हमारे पास में निकल कर आएगी वो sp लीनियर आ रही है। C2H2 हम पहले भी कर चुके हैं, ये हमारे पास में कार्बन कार्बन हो गई है, H और ये H, एक में साथ में दो ही कार्बन अटैच है, इस कार्बन के साथ में कितने एटम अटैच हैं, दो, इसके साथ में कितने अटैच है, दो, तो इसके बीच जो निकल कर आ रही है वो sp निकल कर आ रही है। CO2 अभी देखा ही था, CO दो ही एटम अटैच है, तो इसके भी sp निकल कर आ रही है। अब H2S की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, 1 2 3 4 और ये 5 6, यहाँ पे बेंड शेप निकल करते हैं ड्यू टू द लोन पेयर, यहाँ पे लीनियर शेप नहीं आ पाती है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, यही हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 77, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम कैन बी सेड टू अडॉप्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किसके अंदर आ सकती है। आपको सामने सामने दिख रहा है BeF2, कोई भी सेंट्रल एटम नहीं है, यहाँ पे जो शेप निकल कर आएगी वो sp हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आएगी। BF3 में वापस क्या निकल कर आएगी, 3 हमारे पास में एटम है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो sp2 निकल कर आएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 78
इक्विलेटरल शेप है। इक्विलेटरल शेप किस में आएगी, एस पी में, एस पी टू वाइब्रेशन, एस पी थ्री में या फिर डी एस पी थ्री में। तो एस पी टू जो है होता है उसके अंदर ट्राइगोनल प्लेनर निकल कर आती है, वो इक्विलेटरल शेप होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बट उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे हमारे बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड आएंगे, बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड। तो इसीलिए मैं आपको कुछ एक शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह इस टाइप के बताऊंगा जिससे हमारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएं। अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो एक बार ये कर लोगे तो आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है आपका नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन में टू। ये क्या होता है, हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर हम किस टाइप से लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा स्टार, फिर सिग्मा 2s और फिर सिग्मा स्टार 2s तक, इस टाइप से लिखते हैं। ये पॉइंट तो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि एक में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर टू इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर टू इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर टू इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस टाइप से। ये 1 to 8 जो इलेक्ट्रॉन आएंगे ना उनको याद रखने का तरीका है। अब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके ऊपर स्टार नहीं लगा होता है, तो यहाँ पे इसमें स्टार लगा हुआ है, इसमें स्टार लगा हुआ है, मतलब दो में स्टार लगा हुआ है, दो में नहीं लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम लिथियम, क्या मान लेते हैं, लिथियम। अब हमें मान लें लिथियम का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो देखिए लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ गए और एक आ जाएगा स्टार वाले में। तो हम कैसे निकालेंगे, ये हमारा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो विदाउट स्टार वाला यहाँ पे 2 माइनस स्टार वाले में केवल 1 है अपॉन में 2, तो 2 माइनस 1 अपॉन में 1 बाय 2 आ जाएगा, हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 0.5। इस टाइप से मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है, आपको इस टाइप से पता होना चाहिए। क्लियर है। ओके अब हम देखिए बॉन्ड ऑर्डर के लिए ज़्यादा माथा पच्ची ज़्यादा करेंगे नहीं, हम सिंपल मान लेते हैं कि हमारा 14 नंबर इलेक्ट्रॉन है। कितना नंबर इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है। कोई भी मॉलिक्यूल है, कुछ भी है जिसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है, इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे हाईएस्ट होगा जो होगा 3। अब अगर हम इसके आगे या पीछे जाएंगे तो 0.5 कम होता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ 15 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 2.5 कम होता जाएगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1.5, यहाँ पे आ जाएगा 1। इस टाइप से हमारे क्या आते जाएंगे, हमारे बॉन्ड ऑर्डर जो हैं वो कम होते जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है। अगर इससे कम हो रहे हैं तो भी हम ऐसे ही करेंगे, जैसे 13 आ गया, फिर 12 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 9 आ गया, सो ऑन। तो हम यहाँ पर भी कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर इससे कम होता जाएगा 0.5, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2.5, यहाँ पे 2, यहाँ पर हमारा 1.5, यहाँ पर हमारा 1 और यहाँ पे 0.5, इस टाइप से। ये याद रखना है आपको, केवल ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये आपको याद रह गया सिर्फ हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे और बॉन्ड ऑर्डर बता देंगे तुरंत। क्लियर हो गया। ओके उसके बाद में हम आगे कुछ एक चीज़ें और देखते हैं। अब हमें देखिए बॉन्ड ऑर्डर जो होगा ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड लेंथ के, किसके, बॉन्ड लेंथ के। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। क्लियर है। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बॉन्ड लेंथ के। क्लियर हो गया। ओके उसके बाद में हमारा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, क्या होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या फिर आप बोल सकते हो स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड ऑर्डर के, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड ऑर्डर, यानी जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। ये पॉइंट पता हो गए। ओके अब लास्ट पॉइंट है, बॉन्ड ऑर्डर अगर किसी का जीरो है, इफ़ बॉन्ड ऑर्डर जीरो तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो वो मॉलिक्यूल जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट, यानी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो मॉलिक्यूल हो ही नहीं सकता जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल कर आएगा, जीरो निकल कर आएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ओके तो मैंने वो 14 इलेक्ट्रॉन वाला सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता चुका हूँ, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करके, और ये सब कुछ होता है। ओके अब हम आगे मैग्नेटिक करेक्टर वगैरह देखेंगे, उसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो भी मैं यहीं बता देता हूँ, फिर सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अब देखिए पैरा मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक, इस टाइप से नीट में देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई भी आयन है, उसके अंदर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने ओड इलेक्ट्रॉन है, कितने ओड इलेक्ट्रॉन है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस टाइप से।
ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है या उसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? ओड इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है या फिर 16 इलेक्ट्रॉन है, या फिर सल्फर है S2 जिसके अंदर हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन है। ये सारे पैरा मैग्नेटिक के अंदर आएंगे, हमें कुछ नहीं देखना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेंगे। अगर ओड आ रहा है तो पैरा मैग्नेटिक, टोटल नंबर 10 आ रहा है या 16 आ रहा है तो भी पैरा मैग्नेटिक, या 32 आ रहा है S2 सल्फर का तो भी हमारा पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा। तो फिर हम जो है वो एक और मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल आए ना जिसमें हमारे इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? डायमैग्नेटिक। एक्सेप्शन क्या याद रखना है? 10 और 16 और 32, केवल ये छोड़कर बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे? डायमैग्नेटिक हो जाएंगे, जिसके अंदर मॉलिक्यूल इवन में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं बार बार आपको ये पॉइंट्स नहीं बताऊंगा। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मैं आपको बता चुका हूँ, हम उसी टाइप से करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज CN+, CN- NO एंड CN, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। अब सिंपल क्या करते जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं NO की, N में कितने होते हैं हमारे पास में 7, O में कितने होते हैं 8, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 15। अब 14 में 3 होते हैं, उससे आगे होते हैं तो 0.5 कम हो जाएंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आएगा 2.5। फिर देख लेते हैं CN- का, C में कितने हो गए 6, N में कितने हो गए 7 और -1 का है मतलब +1, तो इसमें कितने हो गए हमारे पास में 14 इलेक्ट्रॉन, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आएगा 3। अब सबसे हाईएस्ट 3 होता है, इसका मतलब होगा ये। फिर अभी भी देख लेते हैं CN+, सी में कितने होते हैं हमारे पास में 6 होते हैं, एन में कितने हो गए 7 और एक माइनस इलेक्ट्रॉन चला गया तो हमारे पास में कितने हो गए 12 हो गए। अब 12 होंगे तो इसमें एक एक कम करते जाइए, 14 में कितने होते हैं 3, 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2.5, 12 हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया। फिर CN देख लेते हैं, सी में कितने हो गए 6, एन में कितने हो गए 7, टोटल हो गए 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5, मतलब इसमें 3 बॉन्ड ऑर्डर है, बाकी में 2.25 और इसमें 2 है, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर पूछा है तो CN- हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। वापस वही बताना है, सेम बॉन्ड ऑर्डर किसमें होगा? O2 बोला गया, 8 8 16, 16 में हो गया तो 14 से एक एक आगे चलते जाइए, 15 में 2.5, 16 में बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। NO+ में क्या होगा 7, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और प्लस है तो एक और घट जाएगा तो टोटल हो जाएगा कितना हमारे पास में 14 इलेक्ट्रॉन, तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आएगा 3। अलग अलग है हमसे, सेम बॉन्ड ऑर्डर पूछा। CN- अभी निकाला था कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3, CO निकाल लेते हैं कितना आएगा हमारे पास में, कार्बन कितना हो गया 6, ऑक्सीजन कितना हो गया 8, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास में 14, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल कर आएगा 3, इन दोनों में क्या हो गया सेम हो गया, तो आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन बी। इसलिए मैंने कहा था कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला याद रखना, ज्यादा माथापच्ची हम करेंगे नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैरा मैग्नेटिक। अभी आपको पैरा मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बताया था, या तो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो 10 इलेक्ट्रॉन हो या 16 इलेक्ट्रॉन हो तो वो पैरा मैग्नेटिक होगा, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या होगा हमारे पास में डायमैग्नेटिक होगा। CN- अभी देखा था कितने इलेक्ट्रॉन निकल कर आते हैं 14, इवन हो गए मतलब डायमैग्नेटिक हो गया। अब NO+ देख लेते हैं, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, एक माइनस हो गया 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी हमारा डायमैग्नेटिक हो गया। CO देख लेते हैं, कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी हमारा डायमैग्नेटिक हो गया। O2- देख लेते हैं, O2 हो गया ना तो 18 और 18 कितने हो गए 16 हो गए, बट +1 एक इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा है, 16 होता तब भी क्या होता पैरामैग्नेटिक होता, केवल ऑक्सीजन 2 होता तो भी, और अब माइनस में चला गया 17 इलेक्ट्रॉन यानी ओड इलेक्ट्रॉन हो गए तब भी क्या हमारे पास में पैरामैग्नेटिक है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 82 देख लेते हैं, द पेयर ऑफ स्पीसीज दैट हैज द सेम बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग। वापस से हमें क्या बताना है, सेम बॉन्ड ऑर्डर बताना है। सबसे पहले देखते हैं CO, कार्बन में कितने निकल कर आते हैं 14, ओके तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल कर आ जाएगा 3। NO+, NO+ में कितने होते हैं, नाइट्रोजन में कितने हो गए हमारे पास में 7, ऑक्सीजन में 8 और यहाँ पर एक माइनस चला जाएगा तो यहाँ पे भी 14, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 निकल कर आएगा क्योंकि 14 वालों के कितने होते हैं 3, तो सेम हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आ गया हमारे पास में 3 3, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। NO- देखोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे 16, तो 14 में 3 होते हैं, 15 में 2.5, 16 में बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आएगा 2, CN- निकाल चुके हैं बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आएगा 3, ऑक्सीजन में निकाल चुके हैं 16 आएगा वापस से हमारे पास में, तो ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आएगा 2, यहाँ पर होते हैं 14, बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आएगा 3, वापस ऑक्सीजन में आएगा 2। अब आते हैं बात करते हैं B2 में कितने हो गए, बोरॉन में कितने होते हैं 5, टोटल कितने हो गए 10 में अगर आप जाओगे 14 से एक एक कम करके आते हैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आएगा 1। क्लियर हो गया? ओके, तो हमारा सेम पूछा था, यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 में हमसे क्या पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज फ्रॉम पैरा मैग्नेटिक टू डायमैग्नेट। यानी बॉन्ड एनर्जी तो इंक्रीज होना चाहिए, बट मेन इंपॉर्टेंट हम बात कर लेते हैं कि पैरा मैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक में कौन जा रहा है। पैरा मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक वाला आपको पता होना चाहिए,
सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं 16 इलेक्ट्रॉन है 16, मैं बता चुका हूँ 10 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन या फिर ओड इलेक्ट्रॉन वाले क्या होंगे, पैरामैग्नेट होंगे। इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास में पैरामैग्नेटिक है, वो पैरामैग्नेट है, हाँ जी। उसके बाद में बात करते हैं O2+, तो 16 16 में से एक माइनस किया 15, ओड इलेक्ट्रॉन आ गए, ये भी पैरामैग्नेटिक। हमें क्या करना है, फ्रॉम पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक होना, पर ये पैरा से पैरा चला गया, ए वाला नहीं हो सकता। बी वाला देखते हैं, 16 हो गया हमारे पास में, सी क्या हो गया, सी टू का मतलब 6, और 6 6 कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास में ई वन क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया। अब हमें इसे पैरा से डाया बताना है, बट ये डाया से अगर पैरा भी चला जाएगा तो अभी हमें कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है, क्योंकि हमें पैरा से डाया बताना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एन ओ के बारे में, एन में कितने हो गए हमारे पास में, 7 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, 8 हो गए, तो ये टोटल कितने हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। 15 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हमारे पास में क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। अभी नहीं, क्योंकि हमें बताना है क्या, पैरामैग्नेटिक हो गया। उसके बाद में आगे बात करते हैं, क्योंकि हमें पैरा ही बताना है, तो ये पैरा हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बात करते हैं, एक माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनओ प्लस हो गया, तो 15 में से एक चला गया 14 क्या होता है हमारे पास में, एक इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला हो गया, यानी डायमैग्नेटिक हो गया, तो ये पैरा से डाया हो रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो इलेक्ट्रॉन काउंट करते रहो, अब इस इलेक्ट्रॉन काउंट वाला गेम चलता रहेगा, जो आपको बॉन्ड ऑर्डर और ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बताया वही चलता रहेगा। द पेयर ऑफ स्पीसीज विद द सेम बॉन्ड ऑर्डर, वापस से सेम बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। O2 2- की बात करते हैं, सबसे पहले O2 2- आप कर लीजिए। सबसे पहले देखिए O2 को 2- करोगे तो यहाँ पे O2 कितने हो गए, 16+2 कितने हो गए, 18। अब 18 में नंबर ऑफ बॉन्ड निकाल लीजिए, 14 से चलेंगे, 14 में 3 हो गए, 15 में 2.5 हो गए, 16 में 2 हो गए, 17 में 1.5 हो गया, 18 में हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर 1 निकल कर आ गया, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। यहाँ पर हमारे पास में 10 है, तो यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आएगा हमारे पास में 1। सेम बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, 1 1 बॉन्ड ऑर्डर आ चुका है। O2+ निकाल लेना, बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आएगा 2.5, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 16+1 एक चला गया 15 में हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। तो अब यही गेम यहाँ पे चलता रहेगा। NO+ यहाँ पे 18 और प्लस 7 15 हो गए, 15 में से एक चला गया 14, तो बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आएगा 3। क्लियर हो गया, तो हमारे पास में इस टाइप से सेम बॉन्ड ऑर्डर पूछा, हमारे यहीं आ गया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 85 बात करेंगे, अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ड्यूरिंग चेंज ऑफ O2 to O2- इलेक्ट्रॉन एड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल में आएगा, सिग्मा स्टार में आएगा या सिग्मा ऑर्बिटल में आएगा। अब देखिए ये 16 वाला है हमारे पास में, तो इसको पूरा भरना पड़ेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसके अंदर क्या होता है, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, ये हो गए हमारे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक। उसके बाद में हम कैसे भरेंगे, उसके बाद में भरेंगे हम सिग्मा 2pz, फिर हम भरेंगे पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, ये हो गए हमारे कितने 8, और ये हमारे पास में 6 हो गए, यानी यहाँ पे हमारे पास में 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमारा जो आएगा वो आएगा पाई स्टार ऑर्बिटल में, तो हमारे पास में जो O2 O2- में जाएगा वो पाई स्टार ऑर्बिटल में जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। आप पूरा वो वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला ऑप्शन है वो पूरा आप लिख भी सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 4 डाई एटॉमिक स्पीसीज आर लिस्टेड, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन विच द बॉन्ड ऑर्डर इन इंक्रीजिंग इन दैम। अब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजिंग इन दैम ये बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं NO, भैया सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, 7 और 8 कितने हो गए हमारे पास में 15, तो बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आ जाएगा 2.5। O2- की बात कर लेते हैं, हमारे पास में 16 और 17, तो हमारे पास में जो बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आएगा वो 1.5 निकल कर आएगा। फिर C2 2-, तो 6 होता है 12 और 2 कितने हो गए 14, तो हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल कर आएगा 3 निकल कर आएगा। अब आते हैं यहां पर हीलियम वाला, अब यहां पे कैसे निकालेंगे भैया बॉन्ड ऑर्डर, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो सिंपल देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए हीलियम प्लस वाला निकालते हैं, तो सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, इस टाइप से लिखते हैं। यहाँ पर हीलियम में कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन में से एक चला गया तो 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 2 यहाँ पे भर लेते हैं और 1 यहाँ पे भर लेते हैं, तो बॉन्डिंग मतलब 2-1/2, तो ये 0.5 हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आएगा। हम निकालेंगे NB-NA/2 वाले से, क्योंकि मैंने बताया था 7 इलेक्ट्रॉन तक हम इससे निकाल सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन तक, तो हमने टोटल 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वाले में भरे गए, एक एंटी बॉन्डिंग वाले में भरा गया, तो 2-1/2 करेंगे तो 0.5 आएगा, तो इसका आ गया 0.5। अब हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर जो आ रहा है वो इसका आ रहा है कार्बन 2 वाले का, क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 3, फिर NO वाले का 2.5, फिर ऑक्सीजन वाले का, और सबसे कम हीलियम वाले का, तो सबसे कम हमारे पास में हीलियम वाले का आ रहा था,
बिल्कुल सही है। ओके, उसके बाद में इसका कितना आ रहा था हीलियम वाले का 0.5 आ रहा था। उसके बाद में हमारे पास में O2 का कितना आ रहा था 1.5, NO का कितना रहा 2.5, इसका कितना रहा 3, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, 12 में और 8 में दो बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। भैया आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन काउंट कर दो तो हमारे सामने आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कितना होता है कार्बन का हमारे पास में 6 होता है, ऑक्सीजन 8 और 8, तो टोटल इसको काउंट कर लीजिए ये कितने हो गए 16 हो गए। तो हमारे पास में टोटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल कर आएंगे 22। NO2 को काउंट करोगे तो ये निकल कर आएंगे 23, तो ये अलग अलग हो गए। NO2 माइनस को काउंट करोगे तो ये निकल कर आएंगे 24। CO2 को काउंट करोगे तो ये निकल कर आएंगे 22। क्लियर है? ओके, CN माइनस को काउंट करोगे तो ये निकल कर आएंगे 14। CO को काउंट करोगे तो ये भी 14, तो ये हो गया हमारे पास में आंसर सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन है विच स्पीसीज डज नॉट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक नहीं, इसका मतलब जिसमें होने चाहिए डायमैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिक में सबसे पहले बात करते हैं N2+, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास 7 × 14, एक चला गया यहां से क्योंकि प्लस का साइन है तो एक माइनस हो गया, तो 13 में क्या होता है पैरामैग्नेटिक। और यहां पे बोला डज नॉट पैरामैग्नेटिक, इसका मतलब डायमैग्नेटिक होना चाहिए, तो 13 हो गया ओड इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे पैरामैग्नेटिक। O2 माइनस कर लेते हैं भैया, O2 माइनस के अंदर क्या होगा हमारे पास में 16 और एक माइनस का है तो मतलब 17, ये भी वापस ओड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये भी हो गया पैरामैग्नेटिक। CO की बात कर लेते हैं, CO में हमारे पास में निकल कर आएंगे 6 और 8 कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारे पास में इवन नंबर, तो ये हो गया डायमैग्नेटिक। फिर NO भी देख लेते हैं, N में हमारे पास में 7 और यहाँ पे 8, तो ये हो गया 15, ओड इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक। तो हमारे आंसर आ जाएगा CO जिसमें डायमैग्नेटिक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते जाओ, बस अब सारा गेम यहीं पे चल रहा है। द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन O2 माइनस टू मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 8। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताना है, वापस से हमें पूरी की पूरी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो लिखनी पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है σ1s, फिर σ*1s, फिर σ2s, फिर σ*2s, ऐसे लिखते हैं। ओके, फिर σ2pz, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा है तो वो आ जाएगा σ2pz। फिर क्या आएगा π2px, फिर क्या आएगा π2py, ये तो यहाँ तक आ गए। क्लियर है? तो इसी तक अभी तक हमारे जो स्टार स्टार वाले वह हैं दो ही आए हैं। अब क्या लिखेंगे भैया, अब लिखेंगे π*2px π*2py। हमारे पास में जो है कितने इलेक्ट्रॉन है देखिए 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो यहाँ पे π* वाले दो आ गए और σ* वाले दो आ गए, तो टोटल 1, 2, 3, 4 फोर हैं जो एंटी बॉन्डिंग वाले आ गए, स्टार वाले फोर एंटी बॉन्डिंग पेयर आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास में 8 आ गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 आ गए, बट हमसे पूछा क्या द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स पूछा है, तो पेयर्स हमारे पास में 4 आ गए थे, 3, 2, 5, 4, तो 4 आ गए थे। 1998 का पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक। वापिस से हम पैरामैग्नेटिक के लिए ओड या फिर 10 इलेक्ट्रॉन या 16 इलेक्ट्रॉनिक वाले पैरामैग्नेटिक होंगे, तो भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, CO में आओगे हमारे पास में 14 तो डायमैग्नेटिक, CN माइनस में 14 इलेक्ट्रॉन तो डायमैग्नेटिक क्योंकि इवन नंबर चल रहे हैं, और 2 माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन निकल कर अभी आए थे तो डायमैग्नेटिक, NO में आएंगे हमारे पास में 15 ओड इलेक्ट्रॉन तो पैरामैग्नेटिक, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बॉन्डिंग इन सम होमो न्यूक्लियर डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट ही ना करता हो, इसका मतलब है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल कर आना चाहिए 0 निकल कर आना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हीलियम की, हीलियम में कितने होंगे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s2 यहाँ पे ये स्टार वाला है, तो बॉन्डिंग में 2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग अपॉन में 2, तो 2 माइनस 2 0 अपॉन में 2, तो इसी का बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आता है 0, तो ये क्या हो गया 0, बॉन्ड ऑर्डर वाला एग्जिस्ट नहीं करता है, मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 92 बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैज ओनली पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, किसके अंदर केवल पाई बॉन्ड होंगे BE2, O2, N2 या फिर C2। तो यहाँ पर बात करते हैं 92 के अंदर, तो यहाँ पर देखिए सिंपल है, जो आपका B2 है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आएगा 0, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन वाले की, अब सिंपल समझिए, यहाँ पे ओनली पाई बॉन्ड होना चाहिए, तो ओनली पाई बॉन्ड में हम जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर जैसे फील करेंगे, जैसे हम बात करें सिग्मा 1s, फिर सिग्मा 1s स्टार,
फिर 2s सिग्मा, फिर सिग्मा 2s स्टार। ये तो हमारे 8 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही होते हैं, क्लियर है, 1 2 3 4 तक, ये तो सब में सेम रहते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन में कितने हो गए, 16 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, 12 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए, 14 हो गए, क्लियर है। अब देखिए पहले 12 तक चलते हैं, फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, पाई 2 पाई, क्यों, क्योंकि 14 से कम है, 14 से कम है तो पहले किस में भरेंगे भैया, पहले भरेंगे पाई के अंदर, तो पाई 2px, और फिर किस में भरेंगे, पाई 2py में, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन पहले ही भर चुके थे और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गए हैं, तो हमारे टोटल 12 इलेक्ट्रॉन तो हो गए। अब ये किस में गए हैं, केवल पाई पाई में गए हैं, सिग्मा में नहीं गया है। इसके बाद आता है सिग्मा 2pz, अगर यहाँ जाता तो सिग्मा बॉन्ड बनाता था, केवल ये यहीं तक भरे हैं पाई पाई तक, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड निकल कर आता है वो पाई निकल कर आता है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जो कार्बन कार्बन होता है ना, ये कार्बन कार्बन अगर मॉलिक्यूल बना रहा है तो इसमें केवल पाई बॉन्ड होते हैं, कहने को तो हम डबल बॉन्ड बनाते हैं और कहते हैं एक सिग्मा एक पाई, बट ये एक एक्सेप्शन टाइप होता है जिसके अंदर केवल पाई बॉन्ड काउंट करते हैं, ये भी इस टाइप से भी आप याद रख सकते हो। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 93 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, N2, H2, Li2 या फिर O2। भैया आप अब इलेक्ट्रॉन काउंट करते जाइए, N2 में कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन, H2 में कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास में इवन चल रहा है, ये भी इवन, डाई डाई। फिर हमारे पास में बात करते हैं Li2 में, ये हमारे पास में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारे पास में इवन चल रहा है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितने हो गए 16, तो मैंने आपको बता रखा है ओड इलेक्ट्रॉन या फिर 10 या 16, तो 16 आ गए, तो ये हो गया हमारे पास में पैरामैग्नेटिक, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। बहुत आसानी से चल रहा है अभी तक सब कुछ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। अब देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, मैंने बताया था स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, जिसका ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। निकाल लेते हैं भैया एक एक करके, सबसे पहले बात करते हैं O2, O2 में इलेक्ट्रॉन हो गए 16, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 14 में 3 होता है, 15 में 2.5 होता है, 16 में हो गया हमारा 2। फिर बात करते हैं O2 माइनस की, O2 माइनस में कितने चले जाएंगे, एक और ऐड कर दीजिए तो 17, तो इससे भी कम कर दीजिए 1.5। फिर O2 प्लस कर लेते हैं तो 16 में से एक कम कर लेते हैं तो हमारे पास में हो गया 15, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा 2.5। फिर बात करते हैं O2 माइनस 2, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल कितने हो गए 18, तो ये हो गया इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, सबसे हाईएस्ट O2 प्लस वाले का है, देन हमारे पास में O2 का है, फिर O2 माइनस और सबसे कम O2 माइनस 2 का है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। ये क्लियर हो गया, ओके। तो अब देख लेते हैं O2 प्लस का सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर था, फिर उसका कम, सबसे कम, तो हमारा आंसर निकल आएगा 94 का डी। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में चलते हैं, द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, अभी अभी किया है नहीं किया है तो फिर देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीसीज, कैसे करेंगे भैया, O2 प्लस में कितने होते हैं 16 में से एक चला गया 15, बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल कर आ रहा है 2.5, O2 माइनस 16 में एक और जोड़ दीजिए 17, बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल कर आएगा 1.5, 14 में से 0.5 कम करते जाइए आपको पता चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 आ जाएगा 16 वाले का और 17 वाले का 1.5 आ जाएगा। फिर O2 प्लस 2 देख लेते हैं, O2 प्लस 2 में बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 16 में से 2 चले गए हमारे पास में 14, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3, तो यानी सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका निकल कर आ रहा है, O2 प्लस 2 वाले का सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर निकल आ रहा है, क्लियर है, ओके। उसके बाद में हमारे पास में जो है O2 प्लस का आना चाहिए और सबसे कम O2 माइनस का आना चाहिए, तो इस टाइप का ऑप्शन देख लेते हैं, इस टाइप का ऑप्शन हमारे पास में सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 96 देख लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 इज द शोन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, O2 प्लस में अभी बात की थी 15 इलेक्ट्रॉन में तो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, O2 माइनस की बात करते हैं 17 इलेक्ट्रॉन में हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 था, 1.5 वाला आ गया, आंसर आ गया ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 97 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 में क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम बॉन्ड लेंथ, अब देखिए बॉन्ड लेंथ मैंने इसीलिए बता दिया था, बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम। अब वापस से बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, सबसे हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, सबसे पहले बात करते हैं O2 प्लस की, बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आएगा, कई बार निकाल चुके हैं 2.5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 15। फिर बात करते हैं O2 माइनस की, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल कर आ गए 17, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.5।
O2-2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 18, तो बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आ गया 1। O2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास में 16, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका है 2.5, तो मिनिमम बॉन्ड लेंथ भी इसी की होगी, तो 97 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 98 है, द पेयर ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर मैग्नेटिक बियर आर नोटेड बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, डायमैग्नेटिक होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे, क्या कुछ होगा ये हमें बात करनी है। तो यहाँ पे हम बता चुके हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से काउंट करना है, ओड इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन वाले पैरामैग्नेटिक, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले डायमैग्नेटिक। O2-16 में एक और ऐड कर दीजिए 17 ऐड क्या होता है ओड होता है, तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिक हो गया, बोथ डायमैग्नेटिक, एक पैरा हो गया, यहीं से चलते आगे। O2+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमारे पास में, 8 में से कम हो गया 7 हो गया, तो ओड हो गया, तो पैरामैग्नेटिक बिल्कुल सही है, अभी तो ये पैरामैग्नेटिक है। ये देख लेते हैं O2 कितने हो गए 16 में से दो और ऐड कर दीजिए तो 18 हो गया, 18 होते ही हमारा, अगर 16 होता तो पैरामैग्नेटिक होता, बट 18 हो गया, इवन हो गया, तो डायमैग्नेटिक हो गया, गलत हो गया, दोनों पैरामैग्नेटिक पूछे हैं, ऑप्शन सी में आ चुके हैं। O2+ की बात कर रहे हैं, तो O2+ में कितने हो गए आपके 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन का मतलब है क्या ओड इलेक्ट्रॉन, तो पैरामैग्नेटिक, O2 होता है 16 वाला भी पैरामैग्नेटिक, तो दोनों पैरामैग्नेटिक आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा पास क्वेश्चन नंबर है 99, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन, यानी सिंपल है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो निकल कर आए। अब बॉन्ड ऑर्डर जीरो किसका निकल कर आएगा, बीई का, बेरिलियम का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे जीरो निकल कर आएगा, अभी बताया था डज नॉट एग्जिस्ट, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 100, अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द लिस्ट रैंक द नाइट्रोजन स्पीसीज इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, वापस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, N2-2 17 14 में दो और ऐड कर दीजिए 16 आ गया, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। N2-N2- का मतलब है 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2.5, और नाइट्रोजन में सबसे इंपॉर्टेंट 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। क्लियर है हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद में 15 वाले का 2.5 होगा, और फिर इसका होगा, तो 100 का हमारा आंसर ही निकल कर आ रहा है ऑप्शन ए। क्लियर है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 101 देख लेते हैं, राइट ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एंड डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बता दिया था डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, इसके अंदर कितने होते हैं 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, तो ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होगी, नाइट्रोजन की, एज कम्पेयर टू N2+, आंसर आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन ए। बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है अगर वो पॉइंट आ रहे हैं आपको तो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 102 है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कन्वर्टेड इनटू, यहाँ पे ये और ये, नाइट्रोजन में कितने होते हैं 14, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3, यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास में एक कम हो गया, तो यहाँ पे 13 बॉन्ड ऑर्डर आ गया हमारे पास में 2.5। ऑक्सीजन की बात करते हैं कितने होते हैं 16, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया हमारे पास में 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2। क्लियर है, ओके। उसके बाद में बात करते हैं O2+ में एक और यहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो 15 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। इन O2+ पैरामैग्नेटिक डिक्रीजेस, अब देखिए यहाँ पे O2+ है, O2+ में क्या होता है, O2 तो होता है हमारा पैरामैग्नेटिक, और ये हो गया जो हमारा पैरामैग्नेटिक, तो दोनों ही पैरामैग्नेटिक है। N2+ बिकम डायमैग्नेटिक, तो N2 क्या है हमारे पास में 14 इलेक्ट्रॉन है, क्या है N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन क्या होता है डायमैग्नेटिक, बट यहाँ पे N2+ में कितने हो गए, सॉरी हमारे पास में N2 है ना, N2+ पूछा है हमसे कि ये डायमैग्नेटिक हो गई या क्या होगा, तो N2 पूछा है, N2+ है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 13 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ओड इलेक्ट्रॉन है, मतलब पैरामैग्नेटिक है, और हमसे रॉन्ग पूछा, ये कह रहा है N2+ डायमैग्नेटिक, जी नहीं, ये पैरामैग्नेटिक हो चुका है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम जो है क्वेश्चन नंबर 103 चलते हैं, सेम यही है, बस यहाँ पे उसमें एक इलेक्ट्रॉन माइनस किया था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो वो ऐड कर दिया है, N2O2 कन्वर्टेड इनटू मोनो एनायंस, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग, ऑक्सीजन 2 एटम बॉटम लेंथ, N2 बिकम्स डायमैग्नेटिक, बिकम वीकनेस, या फिर ऑन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, तो सिंपल सा समझिए, यहाँ पर देखिए वापिस वही होगा, नाइट्रोजन हमारा 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब है डायमैग्नेटिक, अब यहाँ पर कितने हो गए 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन होते ही ओड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, वापस का डायमैग्नेटिक, जी नहीं पैरामैग्नेटिक होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, सेम ही है, वही वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज किया गया लैंग्वेज में।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 104 देख लेते हैं। पूछा गया द ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ वैलेंस इन द इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन इज रिटन इन द हैंस द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा। सिंपल है, निकालने की क्या जरूरत है, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन वाले बताए थे। 105 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, O2 माइनस 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आएगा 1.5। ऑक्सीजन की बात करते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आएगा 2। O2 प्लस की बात करते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन निकल कर आएंगे, बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। O2 माइनस 2 की बात करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन निकल कर आएगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर पूछा है तो O2 प्लस में 2.5 होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो द प्रेजेंस ऑफ इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। अब देखिए, आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप से होती है, एक इंटर मोलिकुलर और एक होती है इंट्रा मोलिकुलर। तो ऑप्शन दिए गए H2O2, HCN, सेलुलोज या फिर कंसनट्रेटेड एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर जो आपका सेलुलोज होता है ना, वो क्या दिखाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। बट बाकी क्या दिखाते हैं, सॉरी इंट्रा पूछा है, तो सेलुलोज इंट्रामोलिकुलर दिखाते हैं, बाकी वाले आपके क्या दिखाते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर पूछा गया 107 2009 में, व्हाट इज द डोमिनेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स और बॉन्ड दैट मस्ट बी ओवरकम इन कन्वर्टिंग लिक्विड CH3OH टू ए गैस। यानी यहाँ पर कौन सी ऐसी डोमिनेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स या बॉन्ड है जो कि लिक्विड CH3 को OH2 को गैस कन्वर्ट करने के अंदर वहाँ पर जो है वो रोकती है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, कोवेलेंट बॉन्ड, लंडन डाइपर्सन फोर्स या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आंसर आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 108 है, यहाँ पे बोला गया है कि एक हाइड्रोजन एड है एक्स मोलिक्यूल के साथ में, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाई के साथ में बना रखी है। एक्स एंड वाई बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, देन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एक्स विल इंक्रीज एंड ऑन एच विल डिक्रीज। तो यहाँ पे इसके साथ में कोवेलेंट बॉन्डिंग ज़्यादा है, तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स पर इंक्रीज होगी और एच पर डिक्रीज होगी। भी बोल रहा है इन बोथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, बोथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, और बोल रहा है एक्स पे जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी और एच के ऊपर इंक्रीज होगी। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, जहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड है, तो वहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो शिफ्ट होती है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट की तरफ। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो एच के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा शिफ्ट होगी एक्स की तरफ में, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स पर इंक्रीज हो जाएगी और एच पर डिक्रीज हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 109, यहाँ पे बोला गया स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा है, वाटर में, एमोनिया में, हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF में, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S में। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होगा, जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, जिसका साइज सबसे कम होगा, तो ये होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 110, और क्वेश्चन पूछा गया विच वन शो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन पूछा गया था पहले, और फिर मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछी गई है, वाटर में, H2SE में, या फिर H2S में, या फिर HF में। अब आप बोलोगे हाइड्रोजन फ्लोराइड में, अभी तो बताते हैं, जी नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछी गई है, और मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर जो आएगी वो वाटर के साथ आएगी। मैक्सिमम मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे तो केवल 2 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बट यहाँ पर H2O के अंदर 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है लोन पेयर के साथ में भी। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के अंदर होती है। क्लियर है। ओके, अब हमारे पास में नीट 2021 के क्वेश्चन और 2022 के स्टार्ट होते हैं। 2021 का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ए नॉन पोलर इन नेचर। यानी इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो नॉन पोलर है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए NO2, POCl3, CH2O या फिर SbCl5। तो नॉन पोलर यहाँ पर जो है वो है हमारा SbCl5, वो हमारा क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है नेचर के अंदर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन फोर्थ। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं नीट 2020 का ही, 2021 में ही। मैच द लिस्ट PCl5, SF6, BrF5, BF3।
शेप कौन सी होगी ये हमें बताना है, मैच द कॉलम करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं PCl5 की, टोटल नंबर ऑफ एटम साइड में अटैच कितने हैं, 5 है। तो यहाँ पर हमारे पास में और केस के पास लोन पेयर है, बी के पास में कोई लोन पेयर नहीं है, तो 5 है तो क्या जाएगा sp3d। और यहाँ पे जो शेप निकल कर आएगी वो आएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि लोन पेयर नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं SF6 के बारे में। अब क्या यहाँ पर कोई लोन पेयर है, जी नहीं है, तो केवल और केवल क्या है हमारे पास में एटम है, कितने हैं, 6 है, तो sp3d2 निकल कर आएगी। शेप कौन सी आ जाएगी, ऑक्टाहेड्रल निकल के आ जाएगी, कोई भी लोन पेयर यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं BrF5 के, BrF5 में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 5 है। क्या लोन पेयर है, यस लोन पेयर है, तो टोटल 6 हो गए, ये भी आएगा sp3d2। बट देखिए यहाँ पर बिकॉज ऑफ द लोन पेयर यहाँ पे जो शेप निकल कर आएगी वो आएगी स्क्वेयर प्लेनर, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो 5 है, एक लोन पेयर है, शेप निकल कर आएगी स्क्वेयर प्लेनर। ओके, नेक्स्ट हम बात करती हैं BF3 के बारे में। तो BF3 में क्या है, कोई यहाँ पे लोन पेयर है नहीं है, एटम कितनी है, 3 है, तो आ जाएगा sp2, शेप निकल कर आएगी ट्राइगोनल प्लेनर, क्लियर है। ओके, अब बात करती है PCl5 में हमारे पास में क्या शेप निकल कर आ रही थी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल निकल कर आ रही थी। SF6 sp3d2 हमारे पास में आ रही थी, शेप कौन सी निकल कर आ रही थी, ऑक्टाहेड्रल निकल कर आ रही थी। BrF5 में हमारे पास में एक लोन पेयर था, 5 बॉन्ड थे, sp3d2 था, पर इसलिए स्क्वेयर प्लेनर यहाँ पर हमारे पास में निकल कर आ रही थी। और BF3 में कोई लोन पेयर नहीं था, ट्राइगोनल प्लेनर हमारे पास में शेप निकल कर आ रही थी। तो ए जो है वो हमारा फोर्थ के साथ में जाना चाहिए, ए फोर्थ के साथ में हमारे पास में दो ऑप्शन जा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास में बी थर्ड के साथ में जाना चाहिए, बी थर्ड के साथ में जा रहा है, फिर सी हमारा फर्स्ट के साथ में, डी सेकंड के साथ में, तुम्हारा जो आंसर बन के आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन 2, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन नीट 2021 का ही है, अभी तक भी ये 2021 का ही क्वेश्चन है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, CH बॉन्ड एंथैल्पी बताना है, CH3 है, फिर CL है, फिर फ्लोरीन के साथ में, ब्रोमीन के साथ में, या फिर आयोडीन के साथ में। तो सबसे ज़्यादा जो है वो बॉन्ड एंथैल्पी किसके साथ में होगी, तो जो CH3F के साथ में जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो 452 होती है, क्लोरीन के साथ में 351 होती है, ब्रोमीन के साथ में 293 होती है, आयोडीन के साथ में 234 होती है, यानी सबसे हाईएस्ट जो है, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे चलते जाएंगे बॉन्ड एंथैल्पी कम होती जाएगी यहां पर, तो सबसे हाईएस्ट होती है किसके साथ में, क्या सबसे कम होती है, जी नहीं, क्या क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, जी नहीं, सबसे हाईएस्ट होती है फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा ऑप्शन 3, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी नीट 2021 का है। BF3 इज ए प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम बताना है। हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं सबसे पहले, BF3 क्या यहाँ पर कोई लोन पेयर है, नहीं है, इसके साथ में अटैच एटम कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, यानी sp2 या तो ये हो सकता है sp2 वाले में, ये sp3 नहीं हो सकता, sp3 नहीं हो सकता, sp2 हो सकता है। अब यहाँ पे बोला कि इसके आसपास जो है इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो टोटल बॉन्ड कितने बना रहा है ये F के साथ में, 3 बना रहा है, तो एक एक तो इसके थे ही, और जो फ्लोरीन के साथ में जो वो यहाँ पे शेयर करा वो भी कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल बॉन्ड के डबल होते हैं, तो 3 बॉन्ड हो गए, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो कितने हो गए हमारे पास में, 6 हो गए, 8 नहीं होंगे, 6 होंगे, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4, क्लियर है। ओके, अब हम चलते हैं नीट 2022 के क्वेश्चन की तरफ, और ये है हमारे पास में नीट 2022 का क्वेश्चन। Among the following, which one will have maximum lone pair electron repulsion? यानी जिसके पास में सबसे ज़्यादा lone pair होंगे उसकी lone pair repulsion भी सबसे ज़्यादा होगी। तो देख लेते हैं, एक दिया है हमारे पास में CLF3, एक IF5, एक SF4 और एक दिया है XEF2। तो सबसे पहले बात करते हैं CLF3 में, तो CL के साथ में 3 तो हमारे पास में ये हो गए जहाँ पे बॉन्ड बना लिए, टोटल इसके पास में वैलेंसी में 7 इलेक्ट्रॉन होते, इसका मतलब 4 और बच गए, तो इसके पास lone pair बच गए 2, तो यहाँ पे lone pair कितने निकल कर आ रहे हैं, 2 निकल कर आ रहे हैं। IF5 है तो टोटल 7 होती है, इसके पास में लोन पेयर निकल कर आएगा 1। अब बात करते हैं SF4, यहाँ पर 4 बॉन्ड बना लिए, इसके पास में वैलेंसी कितनी होती है, 6 होती है, एक लोन पेयर बच गया, लोन पेयर हो गया 1। अब बात करते हैं XE, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, 2 बॉन्ड बना लिए, 6 बच गए, इसका मतलब नंबर लोन पेयर कितने हो गए, 3, तो हाईएस्ट लोन पेयर इसी में है, तो इसका मतलब लोन पेयर रिपल्सन भी इसी में होगी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 नीट 2022 का क्वेश्चन नंबर है ये 116। विच एमोंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट बताना है, द बॉन्ड ऑर्डर O2+, O2, O2- एंड O2- 2.5, 2, 1.5 एंड 1 रिस्पेक्टिवली इन्होंने बोला है, तो आप निकाल के देख सकते हो कि क्या यहाँ पे इस टाइप के बॉन्ड ऑर्डर आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 14 है तो 3, उससे कम या ज़्यादा होते जाएंगे तो 0.5 डिफरेंस होता जाएगा।
क्लियर है। ओके यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने होते हैं 16 में से एक चला गया तो यहाँ पे कितने हो गए 15 में कितने होते हैं 2.5 बिल्कुल है। यहाँ पे 16 है 2 है बिल्कुल सही है। यहाँ पे 17 है 1.5 है। यहाँ पे 18 है 1 है तो बिल्कुल सही है। C2 मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन 2 डिजिटल। हमने क्वेश्चन पहले भी किया था जहाँ पे हमने बहुत बात की थी कि केवल जिसमें केवल पाई बॉन्ड है वो C2 मॉलिक्यूल था और वहाँ पे पाई मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में डिजिटल आ रहे थे। S2+ ion हैज 1 इलेक्ट्रॉन। यस बिल्कुल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए उसमें से एक चला गया एक इलेक्ट्रॉन बच गया। O2+ इज डायमैग्नेटिक। अभी बात कर लेते हैं डायमैग्नेटिक के लिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन चाहिए 16 में से एक चला गया 15 या हमारे पास में ओड इलेक्ट्रॉन आ रहा तो ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक नहीं है तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4 क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट हमसे पूछा था। तो ये सब कुछ था इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।